कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए CGPSC की पाठशाला क्लासेस को और करें अपने CGPSC एंड व्यापम का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो स्टूडेंट, मैं निखिल कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल CGPSC पाठशाला में। CGPSC पाठशाला में आज हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर 2024 वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम वर्ष 2023 और जनवरी 2024 के छत्तीसगढ़ करंट अफेयर के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगामी सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, इस वीडियो सीरीज का एक पार्ट हमने पहले ही कवर कर चुका है, जिसमें हमने 100 क्वेश्चन का सेट कवर किया है। ठीक है, तो जिन्होंने भी वो वीडियो को नहीं देखा है उस वीडियो को जाकर के भी देखिएगा, उसमें भी हमने बहुत से वैरायटी के क्वेश्चन कवर किए हुए हैं। ये उसी वीडियो सीरीज का सेकेंड पार्ट है, जिसमें आगे के क्वेश्चन, बचे हुए क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं। ये जो वीडियो है ये यूट्यूब पर यूट्यूब प्रीमियर में लाया जा रहा है, यानी कि जब मैं कोई क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे जो दिया गया क्वेश्चन रहेगा उसको जब मैं पढ़ूंगा, उसके चार ऑप्शन आपको बताऊंगा, तो जो आपको टाइम मिल रहा है मेरे क्वेश्चन पढ़ने और ऑप्शन पढ़ने के दौरान, उस समय आप नीचे लाइव चैट सेक्शन में जा करके अपने आंसर को कमेंट करके सेंड कर सकते हैं। खाली पीली मत बैठे रहिएगा, या किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आ रहा है तो चुपचाप बैठ करके वीडियो देख रहे हैं, या क्वेश्चन का आंसर नहीं पता तो मैं इसका आंसर नहीं दूंगा या नहीं दूंगी, ऐसे करके खाली पीली मत बैठे रहिएगा। क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, यहां गलती करेंगे तो एग्जाम में गलती करने से बचेंगे। ठीक है, आपके प्रैक्टिस के लिए ही बताया जा रहा है। तो आप जो है अपना आंसर कैसे लिखेंगे, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, क्वेश्चन नंबर के साथ अपने आंसर को लिखेंगे, फर्स्ट का ए, सेकंड का सी, थर्ड का डी, ऐसे टाइप का अपने ऑप्शन को नीचे चैट सेक्शन में जाकर के। देखिए, आप जो है लास्ट टाइम क्या किए थे, बहुत से स्टूडेंट लोग कमेंट सेक्शन में गए थे। ठीक है, जब ये वीडियो चलते रहेगा यूट्यूब प्रीमियर पर तो कमेंट सेक्शन को स्लाइड करेंगे या साइड उसमें क्लिक करेंगे तो एक लाइव चैट का ऑप्शन आपका ओपन होगा, उस लाइव चैट में जाकर के अपने आंसर को आप सेंड करेंगे। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट लोग जो है लाइव चैट में आकर के अपने आंसर सेंड कर रहे थे और बहुत से लोग कमेंट बॉक्स में जाके कर रहे थे, तो कमेंट बॉक्स में ना करके लाइव चैट सेक्शन में जाकर के अपने आंसर को कमेंट कीजिएगा। ठीक है, सेंड कीजिएगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, CGPSC ई पाठशाला का छत्तीसगढ़ करंट अफेयर 2024 का बुक मार्केट में अवेलेबल है। इस बुक को आप इन शहरों के बुक डिपो में जाकर के ले सकते हैं। यहाँ पे शहरों के नाम, बुक डिपो के नाम और उनका कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। साथ ही साथ आप हमारे मोबाइल ऐप CG बुक्स कार्ट में भी जाकर के इस छत्तीसगढ़ करंट अफेयर 2024 के बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर घरों में फ्री होम डिलीवरी सर्विस के माध्यम से मंगा सकते हैं। CG बुक्स कार्ट मोबाइल ऐप में आपको CGPSC ई पाठशाला के साथ साथ छत्तीसगढ़ के अन्य कोचिंग इंस्टीट्यूट, अन्य पब्लिकेशन की बुक अवेलेबल हो जाएंगे, जिसे आप घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर कर फ्री होम डिलीवरी सर्विस के माध्यम से मंगा सकते हैं। चलिए टॉपिक पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। लास्ट टाइम मैंने आपको जो करेक्शन कराया था, ठीक है, ये करेक्शन कर लीजिएगा। इस वीडियो में भी दोबारा करा रहा हूं ताकि कोई भी मिस्टेक डाटा मत पढ़े। ठीक है, हमारे द्वारा जो है एक डाटा को लिखने में यहाँ पे गलती हुआ था, लास्ट क्लास में मैंने करेक्शन कराया था, इस क्लास में भी करेक्शन करा रहा हूँ ताकि जो स्टूडेंट पिछला वीडियो नहीं देखे है वो इस वीडियो को देख करके अपना डाटा सुधार ले। पेज नंबर 31, ठीक है, इसमें यहाँ पर जो आपका ईयर लिखा हुआ है इसको आपस में चेंज करना है, 2019-21 के जगह 2015-16, 2015-16 के जगह 2019-21। ठीक है, ये इसको जो है आपस में चेंज कर लीजिएगा, जहाँ 19-21 है उसको 15-16 और 15-16 के जगह जो है आप 19-21 करेंगे। ठीक, केवल एक ही टेबल है आपके पेज नंबर 31 पे जिसके ईयर आपको चेंज करने हैं। ठीक, बार बार ये डाटा आपको करेक्ट इसीलिए करा रहा हूँ ताकि आप गलत डाटा ना पढ़े, और ये टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, केवल CGPSC प्री एग्ज़ाम नहीं, अभी साल भर होने वाले सभी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण डाटा है ये, इससे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए, लास्ट क्लास में हमने लगभग 100 क्वेश्चन का सेट कवर कर लिया था। ठीक है, अब उसके आगे के क्वेश्चन हम कवर करेंगे। हंड्रेड नंबर क्वेश्चन तक कवर किए थे, अब 101, ठीक है, यहां तक हमने लास्ट क्लास में कवर किया था, इसके आगे क्वेश्चन हम कवर करेंगे। फटाफट अपने आंसर बताते हुए चलिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 101, केसला पाट पहाड़ी किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए जशपुर, ऑप्शन बी बलरामपुर, ऑप्शन सी सरगुजा, ऑप्शन डी सूरजपुर।
फटाफट अपना आंसर नीचे कमेंट सेक्शन या चैट सेक्शन में सेंड कीजिए। केसला पाट पहाड़ी किस जिले में स्थित है? जशपुर जिले में, बलरामपुर जिले में, सरगुजा जिले में, सूरजपुर जिले में। हाल ही में ये जो पहाड़ी है ये काफ़ी चर्चा में रहा, क्यों? क्योंकि इस केसला पाट पहाड़ी में मकर संक्रांति के दिन मेला भरा, ठीक है, मेले का आयोजन हुआ, इसलिए ये चर्चा में आया। प्रश्न पूछा जाएगा कि केसला पाट पहाड़ी किस जिले में स्थित है, करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, जशपुर जिला में स्थित है आपका केसला पाट पहाड़ी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102, 102 नंबर क्वेश्चन है, घड़घड़ी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए धमतरी जिला, ऑप्शन बी गरियाबंद जिला, ऑप्शन सी महासमुंद जिला, ऑप्शन डी सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला। घड़घड़ी जलप्रपात, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि ऐसे नए नए जलप्रपातों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन है चित्रकूट जलप्रपात, तीरथगढ़ जलप्रपात, ये सब अब ट्रेडिशनल क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। कुछ नए को भी आपको पढ़ना होगा, इन नए जलप्रपातों के ओर से जो है अब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक। घड़घड़ी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? फटाफट अपना आंसर नीचे सेंड कीजिए। धमतरी जिला, गरियाबंद जिला, महासमुंद जिला, सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला। तो जो घड़घड़ी जलप्रपात है ये आपका गरियाबंद जिले में स्थित है, ठीक। गरियाबंद जिले का सबसे बड़ा जलप्रपात है आपका घड़घड़ी जलप्रपात। ये जलप्रपात जब गिरता है चट्टानों से होते हुए तो इसमें घड़घड़ की आवाज आती है, इसलिए इस जलप्रपात को घड़घड़ी जलप्रपात नाम दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश के किस स्थान पर सर्प विज्ञान केंद्र प्रस्तावित है? ऑप्शन ए कुनकुरी, ऑप्शन बी तपकरा, ऑप्शन सी जशपुर नगर, ऑप्शन डी पत्थलगांव। प्रदेश के किस स्थान पर सर्प विज्ञान केंद्र प्रस्तावित है? फटाफट अपना आंसर नीचे सेंड कीजिए। ऑप्शन ए कुनकुरी, ऑप्शन बी तपकरा, ऑप्शन सी जशपुर, ऑप्शन डी पत्थलगांव। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा घोषणा किया गया है सर्प विज्ञान केंद्र का, किस स्थान पर? देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा आपका तपकरा। तपकरा, इस तपकरा को छत्तीसगढ़ का नागलोक भी कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का नागलोक। यहां पर जो स्थानीय जनजाति निवास करती है उनके घरों में सांपों को पाला जाता है, सांप इनके घर में स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं, इनके घर में जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं उन बच्चों के आसपास से होकर के सांप जो है गुजरते हैं, लेकिन किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाते। तो ये जो सर्प विज्ञान केंद्र है ये तपकरा में प्रस्तावित है, खोले जाने की घोषणा की गई है, ठीक है, अभी घोषणा बस हुआ है। तपकरा को छत्तीसगढ़ का नागलोक भी कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104, प्रतिवर्ष मकर संक्रांति के दिन बलरामपुर जिले के तातापानी में तातापानी महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इस तातापानी महोत्सव की शुरुआत किस वर्ष हुई? वर्ष 1998, वर्ष 2002, वर्ष 2008, वर्ष 2012। तातापानी महोत्सव का आयोजन किस वर्ष शुरू हुआ पूछा जा रहा है, ठीक है। देखिए मकर संक्रांति हर साल जो है मकर संक्रांति 14 जनवरी को आता है, इस बार 15 जनवरी को था, ठीक है। तो प्रतिवर्ष मकर संक्रांति के दिन बलरामपुर जिले में एक जगह है तातापानी, ठीक है, तातापानी। इस जगह का नाम तातापानी क्यों पड़ा? क्योंकि यहां पर जो है गर्म जल का स्रोत है। गर्म को कहा जाता है हमारे स्थानीय भाषा में ताता, ठीक है। तो गर्म जल का स्रोत है तातापानी, उस गर्म जल के कुंड में स्नान करने से ऐसी मान्यता है कि मकर संक्रांति के अवसर पर वहां पे मौजूद जो गर्म जल का जो कुंड है उसमें स्नान करने से चर्म रोग से निदान पाया जा सकता है, ठीक। वहां पे एक शिव मंदिर भी है, उसके आसपास जो है तातापानी का मेला भरता है, तातापानी महोत्सव का आयोजन होता है। प्रश्न पूछा गया है कि तातापानी महोत्सव की शुरुआत किस वर्ष से हुई? वर्ष 1998, 2002, 2008, 2012। फटाफट अपना आंसर नीचे सेंड कीजिए। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका वर्ष 2012। वर्ष 2012 से तातापानी महोत्सव की शुरुआत हुई है हमारे छत्तीसगढ़ में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 105, रमदहा जलप्रपात कहां स्थित है? ऑप्शन ए बैकुंठपुर, ऑप्शन बी भरतपुर, ऑप्शन सी चिरमिरी, ऑप्शन डी ओडगी। रमदहा जलप्रपात कहां स्थित है? बैकुंठपुर, भरतपुर, चिरमिरी, ओडगी। अभी हाल ही में एक न्यूज आर्टिकल सेंड हुआ था जिसमें बताया जा रहा है कि जो रमदहा जलप्रपात है जब ये चट्टानों से होकर के गिरता है तो इससे संगीत की ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है। इसे संगीत वाला जलप्रपात भी कहा जा रहा है, संगीत वाला जलप्रपात।
जब चट्टानों से होकर के ये गिरता है, ये इस जलप्रपात का पानी गिरता है, तो उससे संगीत की ध्वनि उत्पन्न होती है। तो रमदाहा जलप्रपात कहां स्थित है? बैकुंठपुर, भरतपुर, चिरमिनी, ओड़गी, कहां स्थित है? ये स्थित है आपके भरतपुर में, ठीक है, भरतपुर में स्थित है आपका रमदाहा जलप्रपात। भरतपुर यानी कि किस जिले के अंतर्गत आएगा? मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले के अंतर्गत आएगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 106, प्रदेश का पहला मक्का एथेनॉल संयंत्र कहां स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन ए नथिया नवागांव कांकेर, ऑप्शन बी भोरमदेव कबीरधाम, ऑप्शन सी कोकड़ी कोंडागांव, ऑप्शन डी दुगली धमतरी। फटाफट अपने आंसर नीचे सेंड कीजिए। प्रदेश का पहला मक्का एथेनॉल संयंत्र कहां स्थापित किया जा रहा है? नथिया नवागांव कांकेर, ऑप्शन बी भोरमदेव कबीरधाम, ऑप्शन सी आपका कोकड़ी कोंडागांव, ऑप्शन डी दुगली धमतरी। फटाफट अपना आंसर बताइए। देखिए, प्रदेश का जो गन्ना आधारित जो एथेनॉल प्लांट ये कवर्धा या कबीरधाम जिले में खोला गया था, यानी कि केंद्र सरकार ने दिसंबर के महीने पर उस पर रोक भी लगा दी है। गन्ना के मोलासिस से एथेनॉल का निर्माण किया जा रहा था उस प्लांट में, शुरू होते से ही उस प्लांट पर रोक लगा दिया गया है, जो कि आपके भोरमदेव शक्कर कारखाना, कवर्धा के जो रामहेपुर में भोरमदेव शक्कर कारखाना है, वहां पर हमारे प्रदेश का पहला गन्ना आधारित एथेनॉल प्लांट खोला गया था। ये क्या है? ये मक्का आधारित एथेनॉल प्लांट ये प्रस्तावित है आपका कोकोड़ी कोंडागांव जिले में, ठीक है, कोंडागांव जिले के कोकुड़ी में हमारे प्रदेश का पहला मक्का एथेनॉल संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। और ये जो आपका ये है नथिया नवागांव कांकेर, यहां पे प्रदेश का सबसे बड़ा मिलेंट प्रसंस्करण संयंत्र मौजूद है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107, अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ से कुल कितने रेलवे स्टेशन शामिल किए गए हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 9। अमृत भारत योजना के तहत छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ के कुल कितने रेलवे स्टेशन शामिल किए गए हैं? 3, 5, 7, 9। फटाफट अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिएगा। अमृत भारत स्टेशन योजना, ये जो अमृत भारत स्टेशन योजना है, ये स्टेशनों के आधुनिकीकरण से है, ठीक है, स्टेशनों के आधुनिकीकरण से है, यानी कि वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया जाएगा। तो अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ के कुल 7 रेलवे स्टेशनों को शामिल किया गया है। इस योजना के बारे में करंट अफेयर के बुक में काफ़ी डिटेल में बताया गया है, वहां से जाकर के इसे पढ़िएगा। 7 रेलवे स्टेशन के अंतर्गत देखिए, हमारे प्रदेश के 3 प्रमुख रेलवे स्टेशन कौन कौन से है? एक है रायपुर, दूसरा दुर्ग, तीसरा बिलासपुर, ठीक है। ये 3 रेलवे स्टेशन, रायपुर और दुर्ग के बीच में एक रेलवे स्टेशन पड़ता है, भिलाई पावर हाउस दुर्ग रायपुर के बीच पड़ता है। ये 4 हो गए। पांचवा है आपका अकलतरा, छठवा है महासमुंद, ठीक है, अकलतरा, महासमुंद, और एक है आपका तिल्दा नेवरा, ठीक है, रायपुर के ही पास पड़ता है तिल्दा नेवरा। सॉरी, तो कौन कौन से रेलवे स्टेशन को शामिल किया गया है? रायपुर 1, दुर्ग 2, बिलासपुर 3, भिलाई पावर हाउस 4, तिल्दा नेवरा 5, अकलतरा 6, महासमुंद 7। इन 7 रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत शामिल किया गया है प्रथम चरण में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 108, खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में प्रदेश सरकार द्वारा कुल कितनी क्विंटल धान खरीदी का लक्ष्य अनुमानित है? 100 लाख मैट्रिक टन, 110 लाख मैट्रिक टन, 120 लाख मैट्रिक टन, 125 लाख मैट्रिक टन, ठीक है। खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में प्रदेश सरकार द्वारा कुल कितनी क्विंटल धान खरीदी का लक्ष्य अनुमानित है? ठीक, देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर देने की जरूरत नहीं है,
और जिसको सही आंसर पता है वो नीचे फटाफट अपना कमेंट कीजिएगा। ठीक, देखिए सबसे पहले इसका लक्ष्य निर्धारित किया गया था 125 लाख मैट्रिक टन, लेकिन अब यह बढ़ा करके कर दिया गया है 130 लाख मैट्रिक टन। काफी इंपॉर्टेंट है इस डाटा को अपडेट करना, ठीक है। हमारी करंट अफेयर के बुक में भी इसका अपडेटेड डाटा कैबिनेट मंत्रियों की लिस्ट के नीचे दिया गया है, छपते छपते वाले डाटा में, ठीक है। जैसे ही विष्णुदेव साय जी की सरकार बनी उनके द्वारा घोषणा किया गया, उसमें जो है धान प्रति एकड़ धान खरीदी के भी डाटा को बढ़ाया गया है। आगे सो क्वेश्चन है इसलिए एग्जैक्ट डाटा आपको बता नहीं रहा हूं। और उसका जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था 125 लाख मैट्रिक टन, उसे बढ़ा करके 130 लाख मैट्रिक टन कर दिया गया है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे अपडेट कीजिएगा। हमारे प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में प्रदेश सरकार के द्वारा टोटल 130 लाख मैट्रिक टन धान खरीदी की जाएगी। धान खरीदी का जो आपका वर्ष कब से जो तिथि कब से कब तक अनुमानित है, 1 नवंबर 2023 से लेकर के आपका 31 जनवरी 2024 तक, ठीक है, ये तिथि निर्धारित है। ठीक, तो ये डाटा को थोड़ा सा आप अपडेट कीजिएगा। खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में प्रदेश सरकार के द्वारा कुल 130 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदी की जाएगी। इस क्वेश्चन को भी क्वेश्चन आपके जो एमसीक्यू सेट वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह करंट अफेयर के बुक में दिया गया है, वहां पर भी इस डाटा को ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी धान खरीदी नागरिक आपूर्ति निगम के द्वारा की जाती है। कथन दो, खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में धान खरीदी की तिथि 1 नवंबर 2023 से 31 जनवरी 2024 तक निर्धारित है। कथन तीन, केंद्र सरकार द्वारा सामान्य धान 2183 तथा ग्रेड ए 2203 रुपये प्रति कुंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। कथन चार, प्रदेश में 20 कुंटल प्रति एकड़ की दर से धान खरीदी की जा रही है। सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए कथन एक और दो, ऑप्शन बी कथन दो और तीन, ऑप्शन सी कथन एक तीन और चार, ऑप्शन डी कथन दो तीन और चार। फिर से एक बार पूरे कथन को देख लीजिए और सही कथन नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी नागरिक आपूर्ति निगम के द्वारा की जाती है। खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में धान खरीदी की तिथि 1 नवंबर 2023 से 31 जनवरी 2024 तक निर्धारित है। केंद्र सरकार द्वारा सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2183 रुपये प्रति कुंटल और ग्रेड ए का 2203 रुपये प्रति कुंटल निर्धारित है। प्रदेश सरकार के द्वारा 20 कुंटल प्रति एकड़ की दर से धान खरीदी की जा रही है। फटाफट नीचे अपना आंसर लिखिए। देखिए पहला कथन जो बोल रहा है, छत्तीसगढ़ में धान खरीदी नागरिक आपूर्ति निगम के द्वारा की जाती है, तो यह कथन गलत होगा। हमारे प्रदेश में जो धान की खरीदी है, ये इसकी खरीदी करने वाली संस्था का नाम है मार्कफेड। मार्कफेड के द्वारा हमारे प्रदेश में धान की खरीदी की जाती है। खरीफ विपणन वर्ष में धान खरीदी का जो तिथि निर्धारित किया गया है वह है 1 नवंबर 2023 से लेकर के 31 जनवरी 2024 तक। अभी तक फिलहाल यही डाटा है। हो सकता है आगे आने वाले समय में अगर किसानों से धान की खरीदी इस दिए गए तिथि में नहीं होता है, तब इस डेट को आगे एक्सटेंड किया जा सकता है 31 जनवरी 2024 से आगे। फिलहाल अभी डाटा यही है, ठीक है, तो ये कथन सही होगा। केंद्र सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2183 और ग्रेड ए का 2203 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित है, तो ये भी कथन आपका सही होगा। चौथा कथन बोल रहा है कि प्रदेश सरकार के द्वारा 20 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से धान खरीदी की जा रही है, ये कथन सही था। लेकिन जनवरी के इस महीने में, दिसंबर एंड या जनवरी के महीने में, श्री विष्णुदेव साय जी की के कैबिनेट के द्वारा फैसला लिया गया कि प्रदेश के किसानों से 21 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से धान खरीदी की जाएगी, अधिकतम सीमा, ठीक है। तो करंट अफेयर में भी इसका डाटा दिया गया है, ये उस समय के हिसाब से डाटा था, अभी ये डाटा चेंज हो गया है। दिसंबर एंडिंग में जो कैबिनेट है उसने निर्णय लिया है कि प्रदेश में एक तो लक्ष्य बढ़ाया है, लक्ष्य को 130 लाख मैट्रिक टन 125 से बढ़ा करके 130 लाख मैट्रिक टन किया गया है,
ठीक है, और 20 क्विंटल से बढ़ा करके इसे 21 क्विंटल प्रति एकड़ किया गया है। तो कौन कौन सा कथन सही होगा? कथन आपका 2 और 3 सही है, ठीक है, कथन 2 और 3 सही है, ये वाला कथन आपका सही होगा, ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1010, केंद्र सरकार द्वारा विपणन वर्ष 2023-24 के लिए मक्का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना निर्धारित है? 1860 रुपये प्रति कुंटल, 2090 रुपये प्रति कुंटल, 2130 रुपये प्रति कुंटल और 2160 रुपये प्रति कुंटल। यहां पर किसका न्यूनतम समर्थन मूल्य पूछ रहा है? मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य पूछ रहा है, कितना निर्धारित है? फटाफट अपना आंसर नीचे जो है सेंड कीजिए। 1860 रुपये प्रति कुंटल, 2090 रुपये प्रति कुंटल, 2130 रुपये प्रति कुंटल और 2160 रुपये प्रति कुंटल। कितना निर्धारित है? 2090 रुपये प्रति कुंटल निर्धारित है न्यूनतम समर्थन मूल्य मक्के का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111, प्रदेश में कितने कुंटल प्रति एकड़ की दर से मक्का खरीदी की जा रही है? ऑप्शन ए 10 कुंटल प्रति एकड़, ऑप्शन बी 12 कुंटल प्रति एकड़, ऑप्शन सी 15 कुंटल प्रति एकड़, ऑप्शन डी 20 कुंटल प्रति एकड़। फटाफट नीचे अपना आंसर सेंड कीजिए। मक्का की खरीदी, देखिए धान की खरीदी कितना किया जा रहा है? धान की जो खरीदी की अधिकतम सीमा है प्रति किसान आपका 21 कुंटल प्रति एकड़ की दर से धान की खरीदी की जा रही है, और यहां पूछा गया मक्का की खरीदी। हमारे प्रदेश में मक्का की खरीदी 10 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से की जा रही है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किस वर्ष मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा दिया गया है? ऑप्शन ए वर्ष 2018-19, ऑप्शन बी वर्ष 2019-20, ऑप्शन सी वर्ष 2020-21, ऑप्शन डी वर्ष 2021-22। हमारे प्रदेश में जो है मछली पालन और लाख की खेती को जो है कृषि का दर्जा दिया गया है, ठीक है। यहां पूछा जा रहा है मत्स्य पालन, मछली पालन और लाख की खेती को कृषि का दर्जा दिए जाने से फायदा क्या होगा? इसके जो आपके जो मछली पालन करने वाले जो मछुआरे हैं और लाख की खेती करने वाले जो आपके किसान हैं, उन्हें अल्पकालीन ऋण 0% ब्याज दर पर उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है, इसलिए इन्हें कृषि का दर्जा दिया गया। तो मछली पालन को कृषि का दर्जा कब दिया गया पूछा जा रहा है, फटाफट नीचे अपना आंसर सेंड कीजिए। इसका करेक्ट आंसर होगा वर्ष 2021-22, वर्ष 2021-22 में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 113, राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ का मत्स्य बीज उत्पादन क्षेत्र में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए 3रा, ऑप्शन बी 4था, ऑप्शन सी 5वां, ऑप्शन डी 6वां, ठीक है। यहां पर ध्यान देना, यहां पर क्या पूछ रहा है? मत्स्य बीज पूछ रहा है बीज उत्पादन में, ठीक है, मत्स्य बीज उत्पादन में जो है आपका राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? फटाफट नीचे अपना आंसर सेंड कीजिए। ऑप्शन ए 3रा, ऑप्शन बी 4था, ऑप्शन सी 5वां, ऑप्शन डी 6वां। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 5वां स्थान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 114, राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ का मत्स्य उत्पादन क्षेत्र में कौन सा स्थान है? इससे पहले मत्स्य बीज उत्पादन पूछा गया है, यहां पूछा जा रहा है मत्स्य उत्पादन। मत्स्य बीज का मतलब जो मछली के छोटे छोटे जो अंडे रहते हैं उसकी बात की जा रही है, और यहां पे मत्स्य उत्पादन यानी कि मछली की बात की जा रही है। तो मत्स्य बीज उत्पादन में छत्तीसगढ़ 5वें स्थान पर है, और यहां पर बोला जा रहा है मत्स्य उत्पादन में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए 3रा, ऑप्शन बी 4था, ऑप्शन सी 5वां, ऑप्शन डी 6वां। फटाफट नीचे अपना आंसर सेंड कीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 6वां, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 115, प्रदेश के किस स्थान में मछली पालन की क्लस्टर आधारित खेती विकसित की जा रही है? ठीक है, मछली पालन की क्लस्टर आधारित खेती विकसित की जा रही है। ऑप्शन ए कोयलीबेड़ा, ऑप्शन बी गंगरेल, ऑप्शन सी बड़े राजपुर, ऑप्शन डी मारंगपुरी, ठीक है। मछली पालन की क्लस्टर आधारित
खेती विकसित कहां पर की जा रही है पूछा जा रहा है, तो फटाफट अपना आंसर दीजिए। ऑप्शन ए कोयलीबेड़ा, ऑप्शन बी गंगरेल, ऑप्शन सी बड़े राजपुर, ऑप्शन डी मारंगपुरी। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका कोयलीबेड़ा। कोयलीबेड़ा कहां पर स्थित है, कांकेर में स्थित है आपका कोयलीबेड़ा, जहां पर मछली पालन का क्लस्टर आधारित खेती विकसित की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116 नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रबर मिशन के अंतर्गत प्रदेश के किस एक जिले को शामिल किया गया है। ऑप्शन ए कोंडागांव, ऑप्शन बी कांकेर, ऑप्शन सी बस्तर, ऑप्शन डी दंतेवाड़ा। ठीक है, फटाफट अपना आंसर नीचे जो है सेंड कीजिए। भारतीय रबर मिशन के तहत प्रदेश के किस एक जिले को शामिल किया गया है इस भारतीय रबर मिशन में, कोंडागांव, कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा। देखिए रबर की खेती कैसे की जाती है, उसमें एक जो है रबर का पेड़ होता है जिसमें कट लगा करके यहां पर जो है एक कप फिट किया जाता है, जिसमें रबर का जो है आपका, अगर इसको सामान्य बोलचाल की भाषा में बोले तो रबर का दूध एकत्र होता है, ठीक है, लैक्टस कहा जाता है, वो एकत्र होता है और उसके बाद जो है उसी से बनाया जाता है आपका रबर। तो हमारे प्रदेश के किस एक जिले को भारतीय रबर मिशन के अंतर्गत शामिल किया गया पूछा जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बस्तर। बस्तर जिला काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस बस्तर जिले में वर्ष 2026 तक 5,00,000 हेक्टेयर क्षेत्र में आपके रबर के पौधे रोपित किए जाएंगे, ठीक है, 5,00,000 हेक्टेयर क्षेत्र में रबर का प्लांटेशन किया जाएगा। तो इसको याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है कि रबर जो है ये भारतीय रबर मिशन के अंतर्गत शामिल जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117 भारतीय रबर अनुसंधान संस्था RRII का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन ए चिकमगलूर कर्नाटक, ऑप्शन बी कोट्टायम केरल, ऑप्शन सी जोराहट असम, ऑप्शन डी कोझिकोड केरल। ठीक, तो भारतीय रबर अनुसंधान संस्था का मुख्यालय कहाँ है, जो हमारा छत्तीसगढ़ में बस्तर जिले में जो रबर की खेती की जा रही है उसके लिए एक समझौता, एक MOU हस्ताक्षर हुआ है आपके भारतीय रबर अनुसंधान संस्था के साथ, तो इसका मुख्यालय कहाँ है पूछा जा रहा है, तो इसका मुख्यालय है आपका कोट्टायम। कहाँ पर है, कोट्टायम केरल में इसका मुख्यालय है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हमारे भारत में रबर के उत्पादन में अग्रणी राज्य है आपका केरल, और वहीं पर आपके कोट्टायम में इस आपका रबर, भारतीय रबर अनुसंधान संस्था मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118 केंद्र सरकार द्वारा रबी विपणन वर्ष 2024-25 के लिए, देखिए रबी विपणन वर्ष, यहाँ पे जो रबी की फसल है उसका 24-25 का डाटा आ गया है, जबकि खरीफ का 2023-24 का ही डाटा है, ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा रबी विपणन वर्ष 2024-25 के लिए सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य, सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना निर्धारित है। ऑप्शन ए 5,350 रुपये प्रति क्विंटल, ऑप्शन बी 5,465 रुपये प्रति क्विंटल, ऑप्शन सी 5,590 रुपये प्रति क्विंटल, ऑप्शन डी 5,650 रुपये प्रति क्विंटल। फटाफट अपना आंसर नीचे चैट सेक्शन में सेंड कीजिए। सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य केंद्र सरकार के द्वारा कितना निर्धारित है, 5,350, 5,465, 5,590, 5,650। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 5,650 रुपए प्रति क्विंटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119 विपणन वर्ष 2023-24 के लिए कोदो का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना निर्धारित है। 3,000 रुपए प्रति क्विंटल, ऑप्शन बी 3,200 रुपए प्रति क्विंटल, ऑप्शन सी 3,250 रुपए प्रति क्विंटल, ऑप्शन डी 3,300 रुपए प्रति क्विंटल। कोदो का न्यूनतम समर्थन मूल्य पूछा जा रहा है। कोदो क्या है, कोदो जो है ये मोटे अनाज के अंतर्गत आता है, मोटे अनाज जिसे क्या कहा जाता है, मिलेट्स भी कहा जाता है। वर्ष 2024 को, सॉरी वर्ष 2023 को मिलेट्स ईयर भी घोषित किया गया था। प्रदेश का पहला मिलेट्स कैफे कहां पर खोला गया है, रायगढ़ जिले में खोला गया है, ठीक है। इस मिलेट्स, हमारे प्रदेश में मिलेट्स मिशन भी आपका चालू है, जिसके अंतर्गत कोदो कुटकी रागी, कोदो कुटकी रागी शामिल है, ठीक। देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 3,200 रुपए प्रति क्विंटल, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। कोदो का न्यूनतम समर्थन मूल्य, देखिए कोदो और कुटकी का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदेश सरकार के द्वारा जारी किया गया है,
छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा कोदो का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3200 रुपये प्रति कुंटल निर्धारित है। ठीक, कुटकी का क्या है आगे हम देखेंगे, इसके बाद और क्वेश्चन है कुटकी से रिलेटेड, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। ठीक है, प्रदेश सरकार के द्वारा कोदो और कुटकी इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। ठीक है, विपणन वर्ष 2023-24 के लिए। रागी का न्यूनतम समर्थन मूल्य ये केंद्र सरकार ने निर्धारित किया है, प्रदेश सरकार ने इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित नहीं किया है। आगे देखते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, विपणन वर्ष 2023-24 में कुटकी का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना निर्धारित है? ऑप्शन ए 3000 रुपये प्रति क्विंटल, ऑप्शन बी 3200 रुपये प्रति क्विंटल, ऑप्शन सी 3100 रुपये प्रति क्विंटल, ऑप्शन डी 3350 रुपये प्रति क्विंटल। फटाफट अपना आंसर सेंड कीजिए। फैक्ट याद रखिएगा कि वर्ष 2023 को मिलेट्स वर्ष घोषित किया गया था। मोटे अनाज को मिलेट्स कहा जाता है। प्रदेश का पहला मिलेट्स कैफे रायगढ़ जिले में संचालित है। ये सारे डाटा को याद रखना है आपको। ठीक है, तो जो कुटकी का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है प्रदेश सरकार के द्वारा 3350 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। ठीक, अब देखिए कोदो का कुटकी और एक है रागी। ठीक है, कोदो का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3200 रुपये प्रति क्विंटल, कुटकी का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3350 रुपये प्रति क्विंटल। ये दोनों के दोनों न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है इसे राज्य सरकार ने निर्धारित किया है। राज्य सरकार के द्वारा इस न्यूनतम समर्थन मूल्य पर इस कोदो और कुटकी की खरीदी की जा रही है, जबकि जो रागी की खरीदी है वो 3846 रुपये प्रति क्विंटल की दर से इसकी खरीदी की जा रही है और इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य केंद्र सरकार ने निर्धारित किया है 3846 रुपये प्रति क्विंटल। ठीक है, तो इस रागी के भी डाटा को याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121, ऑप्शन सूची एक खरीफ फसल, सूची दो समर्थन मूल्य को सुमेलित कीजिए। इधर खरीफ फसल की सूची दी गई है तुअर जिसे अरहर भी कहा जाता है, मूंग, उड़द और मूंगफली। इधर समर्थन मूल्य दिया गया है 7000 रुपये प्रति क्विंटल, 8558 रुपये प्रति क्विंटल, 6950 रुपये प्रति क्विंटल और आपका 6377 रुपये प्रति क्विंटल। तो खरीफ फसल और उसके न्यूनतम समर्थन मूल्य को सुमेलित कीजिए, मैच द फॉलोइंग बोल रहा है। फटाफट अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिएगा। इसमें आपको ऑप्शन देखना है, देख लीजिए 3142 4321 2413 1234। ठीक है, अब इसको सुमेलित कीजिए, आप फटाफट सुमेलित कीजिएगा। ठीक है, तुअर, मूंग, उड़द, मूंगफली, समर्थन मूल्य 7000 रुपये प्रति क्विंटल, 8558 रुपये प्रति क्विंटल, 6950 रुपये प्रति क्विंटल और 6377 रुपये प्रति क्विंटल। ठीक है, देखिए तुअर का न्यूनतम समर्थन मूल्य 7000 रुपये प्रति क्विंटल ही है, मूंग का भी आपका 8558 रुपये प्रति क्विंटल, उड़द का जो है 6950 रुपये प्रति क्विंटल और मूंग का है आपका 6377 रुपये प्रति क्विंटल। सभी के जो आपके डाटा है वो सही आपका सुमिलित है। तो ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, 1234 ऑप्शन नंबर डी, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ESG ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में पृथ्वी अवार्ड, ESG रिसर्च फाउंडेशन द्वारा पृथ्वी अवार्ड 2023 का पर्यावरण, सामाजिक कल्याण व सुशासन क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए सरकारी श्रेणी का पुरस्कार प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण, ऑप्शन सी भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना कवर्धा, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ राज्य बिलासपुर वन मंडल। ठीक है, पर्यावरण, सामाजिक कल्याण व सुशासन क्षेत्र का उत्कृष्ट पुरस्कार ESG ग्लोबल कॉन्फ्रेंस पृथ्वी अवार्ड। ठीक है, डायरेक्ट पूछा जाएगा कि पृथ्वी अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया है। फटाफट अपना आंसर नीचे सेंड कीजिएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण, भोरमदेव शक्कर कारखाना और लास्ट ऑप्शन क्या है आपका, छत्तीसगढ़ राज्य बिलासपुर वन मंडल। इसका करेक्ट आंसर होगा छत्तीसगढ़ राज्य लघु वन उपज संघ। ठीक है, देखिए प्रश्न पूछा जाएगा कि पृथ्वी अवार्ड 2023 का
23 के लिए 23 का सरकारी श्रेणी का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को। यह प्रश्न पूछा जाएगा कि ESG ग्लोबल कॉन्फ्रेंस द्वारा पृथ्वी अवार्ड 2023 से आपका छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को पुरस्कृत किया गया है किस क्षेत्र के लिए? तो पर्यावरण, सामाजिक कल्याण व सुशासन क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123। ESG ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में पृथ्वी अवार्ड ESG रिसर्च फाउंडेशन द्वारा पृथ्वी अवार्ड 2023 का ग्रामीण विकास और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए गैर सरकारी संगठन स्वयं सेवक श्रेणी का पुरस्कार कुल कितने स्व सहायता समूहों को प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। यहां पर सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात हो रही है। ठीक है, कुल कितने सेल्फ हेल्प ग्रुप को जो है आपका पृथ्वी अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है ग्रामीण विकास और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए? ये गैर सरकारी संगठन है। तो देखिए, ऑप्शन ए है आपका 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। फटाफट अपना आंसर सेंड कीजिए। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 2। दो सेल्फ हेल्प ग्रुप, एक है आपका जय बूढ़ा देव, करंट अफेयर की बुक में पूरा डिटेल दिया गया है, जय बूढ़ा देव स्व सहायता समूह कवर्धा, और एक है आपका वर्षा स्व सहायता समूह बस्तर। इन दो स्व सहायता समूह को जो है आपका पुरस्कार प्रदान किया गया है पृथ्वी अवार्ड 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 124। सूची 1 रबी फसल, सूची 2 समर्थन मूल्य को सुमेलित कीजिए। एक तरफ जो है रबी फसल के नाम दिए गए हैं, गेहूं, जौ, चना, मसूर, और दूसरे तरफ जो है उनका समर्थन मूल्य दिया गया है 2275 रुपये प्रति क्विंटल, दूसरा है आपका 6425 रुपये प्रति क्विंटल, तीसरा है 1850 रुपये प्रति क्विंटल, और चौथा है आपका 5440 रुपये प्रति क्विंटल। फटाफट सुमेलित कीजिए। नीचे ऑप्शन देखना चाहते हैं देख लीजिए, 3142 4321 2413 1342। ठीक है, फटाफट इसे सुमेलित कीजिए। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य देखिए, यहां जो है आपका समय बचाने के लिए मैं यहां मैच द फॉलोइंग आपको करा रहा हूं, वरना आपसे इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछ सकता है। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना है, जौ का कितना है, चना का कितना है, मसूर का कितना है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, फटाफट अपना आंसर बताइए। देखिए, गेहूं का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो है आपका 2275 रुपये प्रति क्विंटल, ये गेहूं का है। ठीक है, जौ का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो है 1850 रुपये प्रति क्विंटल, ये जौ का है। ठीक है, और आपका चना का न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो है आपका 5440 रुपये प्रति क्विंटल, ये चना का है। ठीक, और जो बच गया मसूर का, ये वाला मसूर का है आपका दूसरा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 1342, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर जो है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125। सोसाइटी ऑफ एनर्जी इंजीनियर्स एंड मैनेजर्स द्वारा ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन स्टार परफॉर्मेंस अवार्ड 2023 पुरस्कार प्रदान किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण को। ऑप्शन बी है आपका छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी को, ऑप्शन सी है आपका छत्तीसगढ़ राज्य पावर कंपनी मर्यादित, ऑप्शन डी है आपका छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी। फटाफट अपना आंसर सेंड कीजिए। देखिए, इस प्रकार से जो छत्तीसगढ़ के किसी संस्था को, किसी स्व सहायता समूह को या किसी निगम को अगर कोई पुरस्कार प्रदान किया जाता है तो इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। किसी जिला प्रशासन को कोई पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है तो उससे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी जो पिछला 1-2 साल रहा उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन पुरस्कारों से बहुत पूछे गए हैं, तो इसको थोड़ा सा कर लेना। ठीक है,
तो ये जो सोसाइटी ऑफ एनर्जी एंड मैनेजर्स द्वारा ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन स्टार परफॉर्मेंस अवार्ड 2023 से पुरस्कृत किया गया है आपका छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण को, जिसे शॉर्ट में क्रेडा भी कहा जाता है। ठीक है, क्रेडा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल जीवन सर्वेक्षण 2023 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए छत्तीसगढ़ के किस जिले को पुरस्कार प्रदान किया गया? ऑप्शन ए कोरबा, ऑप्शन बी महासमुंद, ऑप्शन सी राजनांदगांव, ऑप्शन डी नारायणपुर। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल जीवन सर्वेक्षण 2023 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए छत्तीसगढ़ के किस जिले को पुरस्कृत किया गया? फटाफट अपना आंसर नीचे सेंड कीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन है ऑप्शन ए कोरबा, ऑप्शन बी महासमुंद, ऑप्शन सी राजनांदगांव, ऑप्शन डी नारायणपुर। किसे पुरस्कृत किया गया है? पुरस्कृत किया गया है आपके नारायणपुर जिले को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस 2023 स्वर्ण से किसे सम्मानित किया गया है? छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना, छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ बिलासपुर जिला प्रशासन, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना, छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ बिलासपुर जिला प्रशासन, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर। ठीक है, तो जहां पर प्रश्न पूछा जाएगा राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार स्वर्ण, तो इससे पुरस्कृत किया गया है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 128। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर रजत श्रेणी का, ठीक है, सिल्वर कैटेगरी, रजत श्रेणी का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम 2023 किस ग्राम को प्रदान किया गया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साल भर होने वाले किसी ना किसी एग्जाम का ये एक क्वेश्चन बनेगा, 100% तय है। ठीक है, देखिए, क्योंकि ये ना काफी हाईलाइट में था जो आपका रजत श्रेणी का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार जो 2023 प्रदान किया गया, ये काफी हाईलाइट में था, नेशनल लेवल का ये जो है करंट बना था। तो किसे प्रदान किया गया? सरोदा दादर कवर्धा, ऑप्शन बी कुर्दर बिलासपुर, ऑप्शन सी कमलेश्वर सरगुजा, ऑप्शन डी कुनकुरी जशपुर। ठीक है, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्तर का रजत श्रेणी का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? देखिए, इसमें जो है 31 स्टेट और यूनियन टेरिटरी से 795 ग्राम का सिलेक्शन किया गया था इस पुरस्कार के लिए। ठीक है, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले के सरोधा दादर, ठीक है, सरोदा दादर को सर्वश्रेष्ठ ग्राम पुरस्कार 2023 रजत श्रेणी का पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 129। भूमि सम्मान प्लेटिनम सर्टिफिकेट 2023 से प्रदेश के किन जिलों को सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए कवर्धा मुंगेली, ऑप्शन बी बेमेतरा सरगुजा, ऑप्शन सी धमतरी कांकेर, ऑप्शन डी कोरिया सूरजपुर। फटाफट आंसर दीजिएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा यह भूमि सम्मान प्लेटिनम सर्टिफिकेट 2023 प्रदान किया गया है। हमारे प्रदेश के किन दो जिलों को यह पुरस्कार मिला है? ऑप्शन ए कवर्धा मुंगेली, ऑप्शन बी बेमेतरा सरगुजा, ऑप्शन सी धमतरी कांकेर, ऑप्शन डी कोरिया सूरजपुर। फटाफट अपना आंसर बताइए। भूमि सम्मान प्लेटिनम अवार्ड, इस भूमि सम्मान प्लेटिनम अवार्ड से हमारे प्रदेश के दो जिले बेमेतरा जिला और सरगुजा जिला, बेमेतरा और सरगुजा जिले को इस पुरस्कार, ये जो आपका प्लेटिनम भूमि सम्मान प्लेटिनम सर्टिफिकेट 2023 प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130। क्रॉप डॉक्टर 2.0 का संबंध है ऑप्शन ए कृषि क्षेत्र से, ऑप्शन बी उद्योग क्षेत्र से, ऑप्शन सी लघु वन उपज क्षेत्र से, ऑप्शन डी स्वास्थ्य क्षेत्र से। क्रॉप डॉक्टर 2.0 ऐप, इसका संबंध किस क्षेत्र से है? फटाफट आंसर दीजिएगा। देखिए, नाम से स्पष्ट है क्रॉप, क्रॉप मतलब फसलें। ठीक है, ये जो क्रॉप डॉक्टर 2.0 है इसका संबंध कृषि क्षेत्र से है। इसे विकसित किया गया है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा, जो कि 36 प्रकार के
जो आपके कृषि की जो उपज है, कृषि की जो फसलें हैं, उसमें 36 प्रकार के रोगों का पहचान करके उसका निवारण या उसके लिए कौन कौन सी आपकी दवाइयां उपयोगकारी है ये बताएगा। इस क्रॉप डॉक्टर 2.0 के माध्यम से किसानों को जो है कृषि यंत्र को जो है किराए पर उपलब्ध कराया जाएगा या उसका रेट बताया जाएगा या उसे एक ऑनलाइन मार्केट प्रदान किया जाएगा किसानों को अपने फसल बेचने के लिए। ये AI आधारित, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक मोबाइल ऐप है जिसका संबंध कृषि क्षेत्र से है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 131 क्वेश्चन नंबर 131। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आज 1 सितंबर 2023 को बिलासपुर छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के डैश दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। ऑप्शन ए 10वें, ऑप्शन बी 11वें, ऑप्शन सी 12वें, ऑप्शन सी 14वें। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी हमारे छत्तीसगढ़ प्रवास में थी 31 अगस्त 2023 और 1 सितंबर 2023 को, दो दिन का उनका छत्तीसगढ़ प्रवास था। तो इस दौरान वो हमारे प्रदेश का एकमात्र जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, उसके दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। ठीक है, बहुत बड़ी बात है। तो ये कौन से नंबर का दीक्षांत समारोह था पूछा जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा ये जो है 10वें नंबर का दीक्षांत समारोह था जिसमें राष्ट्रपति जी शामिल हुई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132। 30 अगस्त 2023 तक की स्थिति में प्रदेश में राजस्व अनुविभाग और तहसीलों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 112 राजस्व अनुविभाग और 225 तहसील, 118 राजस्व अनुविभाग 245 तहसील, 122 राजस्व अनुविभाग 250 तहसील, 125 राजस्व अनुविभाग और 258 तहसील। फटाफट अपना आंसर बताइए 30 अगस्त 2023 तक के स्थिति में। देखिए 30 अगस्त 2023 को ही तहसीलों का लास्ट डाटा अपडेट हुआ था, उसके बाद भी बहुत से तहसीलों को बनाए जाने की केवल घोषणा की गई है। ऑफिशियल तौर पर कितने राजस्व अनुविभाग और कितने तहसीलें पूछा जाएगा, तो 30 अगस्त 2023 तक की स्थिति में 112 राजस्व अनुविभाग और 250 तहसील है हमारे छत्तीसगढ़ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 133। विश्व बैंक से सहायता प्राप्त चाक परियोजना CHAL के चाक परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से है? कृषि आय वृद्धि, कुपोषण मुक्त अभियान, शिक्षा गुणवत्ता सुधार, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम। फटाफट अपना आंसर बताइए कि विश्व बैंक से सहायता प्राप्त चाक परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से है? कृषि क्षेत्र में आय वृद्धि, कुपोषण मुक्त अभियान, शिक्षा गुणवत्ता सुधार और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? शिक्षा गुणवत्ता सुधार। कोरोना काल में जब लॉकडाउन की स्थिति थी, सभी तरफ जो है लॉकडाउन था, उस समय जो है स्कूल कॉलेज ही बंद हुए थे, जनरल प्रमोशन हुए, बच्चे जो है बिना पढ़े लिखे उन्हें आगे के क्लास में उन्हें प्रमोट किया गया। इससे क्या हुआ, बच्चों में जो है शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट आया। तो विश्व बैंक के द्वारा लगभग 2500 करोड़ रुपए का फंड प्रोवाइड किया गया है हमारे छत्तीसगढ़ को, जो कि यहाँ छत्तीसगढ़ में शिक्षा की गुणवत्ता के सुधार के लिए उपयोग में लाया जाएगा और इसे नाम दिया गया है चाक परियोजना। चाक परियोजना जो कि विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजना है जिसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा गुणवत्ता सुधार से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 134। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023 में कुल कितने एकल श्रेणी के पारंपरिक खेलों को शामिल किया गया है? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 16। फटाफट अपने आंसर को बताइए। और यहाँ पर ना बहुत से स्टूडेंट गलती करेंगे, मैं पहले से बता रहा हूँ। ठीक है, वैसे तो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक जब तक भूपेश बघेल जी की सरकार थी तब तक काफ़ी हाईलाइटेड टॉपिक था ये आपका छत्तीसगढ़िया ओलंपिक। नई सरकार बनने के बाद थोड़ा सा जो है इस सेक्टर से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना कम है, लेकिन फिलहाल इस साल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 50-50 चांस है। अब यहाँ पर ध्यान देना, ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 16। इसमें बहुत से स्टूडेंट क्या गलती करेंगे, इसका आंसर लेंगे क्या, ऑप्शन डी 16। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिए, एकल श्रेणी का खेल पूछा जा रहा है। खेल की दो श्रेणी है, पारंपरिक खेलों की दो श्रेणी थी, एक था एकल श्रेणी और दूसरा था दलीय श्रेणी। एकल श्रेणी के 8 खेल और दलीय श्रेणी के 8 खेल, टोटल 16 खेल। तो एकल श्रेणी के 8 खेलों को शामिल किया गया था। एकल श्रेणी के अंतर्गत आपका जो है बिल्लस, फुगड़ी, गेड़ी दौड़, भवरा, 100 मीटर दौड़, लंबी कूद, रस्सी कूद, कुश्ती,
ये शामिल थे। दलीय श्रेणी के अंतर्गत आपके टोटल 8 खेल शामिल थे, गिल्ली डंडा, पिट्ठुल, संखली, लंगड़ी दौड़, कबड्डी, खो खो, रस्सी कूद, बांटी, ठीक है। तो एकल श्रेणी के अंतर्गत 8, दलीय श्रेणी के अंतर्गत 8 और 8 16, कुल 16 पारंपरिक खेलों को शामिल किया गया था, जिसमें से रस्सी कूद और कुश्ती इस साल नए खेल शामिल किए गए थे, ठीक है। रस्सी कूद और कुश्ती एकल श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, ठीक, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 135, नीति आयोग रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में कितनी संख्या में लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं, आंकड़े लगभग में। ऑप्शन ए 15 लाख, ऑप्शन बी 25 लाख, ऑप्शन सी 30 लाख, ऑप्शन डी 40 लाख। साल भर होने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से यह बहुआयामी गरीबी सूचकांक काफी इंपॉर्टेंट है, मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स काफी इंपॉर्टेंट है। इसके जो आंकड़े दिए गए हैं, इसका जो डाटा करंट अफेयर के बुक में दिया गया है, उसको अच्छे से पढ़िएगा। जैसे कि आपका नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट 2019-21 है, उसका डाटा से जो है लगभग 2-3 साल तक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, वैसे ही इसके डाटा से भी जो है आगामी साल भर होने वाले एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे ही। तो उसमें जो भी टेबल दिया गया है, जो भी ग्राफ दिया गया है, जो भी उसमें अलग अलग पैमाने दिए गए हैं, उसके जो डाटा है, उससे अपने से क्वेश्चन बना करके प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है ये आपका बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ठीक है। तो नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी जो रिपोर्ट पेश किया गया है, उसमें छत्तीसगढ़ की कितने लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले पूछा जाए, तो लगभग 40 लाख लोग जो है इस बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136, छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम के अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है, ये क्वेश्चन होगा कैंसल, ठीक है। इसका आंसर देने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर था आपका श्री नंद कुमार साय, जिन्हें जो है गवर्नमेंट की जो आपके कांग्रेस की जब सरकार थी पिछले साल, तब इन्हें जो है आपका नियुक्त किया गया था छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम का अध्यक्ष। लेकिन जैसे सत्ता परिवर्तन हुआ तो कांग्रेस राज्य में जितनी भी नियुक्तियां की गई थी उन्हें रद्द कर दी गई, फिलहाल ये पोस्ट अभी रिक्त है। आगे आने वाले समय में किसी न किसी मंत्री को इसमें जो है अध्यक्ष बनाया जाएगा, तो ये क्वेश्चन को कैंसिल कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 137, हाल ही में रामपुर जलाशय में लिथियम भंडार होने की पुष्टि की गई है, यह जलाशय किस जिले में है, महासमुंद जिला, कोरबा जिला, रायगढ़ जिला, बलौदा बाजार जिला। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रामपुर जलाशय, लिथियम भंडारित रामपुर जलाशय किस जिले में है, और या फिर रामपुर जलाशय में किस खनिज का भंडारण है, तो लिथियम खनिज का भंडारण है, किस जिले में है, महासमुंद जिला, कोरबा जिला, रायगढ़ जिला, बलौदा बाजार जिला। तो ये जो आपका रामपुर जो जलाशय है, ये रामपुर जलाशय आपके कोरबा जिले में स्थित है, याद रखिएगा। रामपुर जलाशय में लिथियम का भंडारण है, लिथियम का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की बैटरी बनाने के लिए किया जाता है, मोबाइल की बैटरी, लैपटॉप की बैटरी बनाने के लिए लिथियम का उपयोग होता है, सामरिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार के द्वारा जो 20 ब्लॉक की ई नीलामी की जा रही है, उस 20 ब्लॉक में हमारे छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले का आपका एक ब्लॉक शामिल है। अब ये ब्लॉक नहीं है, ठीक है, रामपुर जलाशय नहीं है, जो आपका रामपुर जलाशय में अभी पुष्टि हुई है लिथियम भंडारण की, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138, छत्तीसगढ़ या ओलंपिक 2023 का शुभंकर किसे बनाया गया है, वन भैंसा, पठरू, बछरू, टाइगर बॉय, चेदरू। इसका आंसर आप में से बहुत लोग जानते ही होंगे, क्योंकि जब तक आपका छत्तीसगढ़ या ओलंपिक खेल चला तब तक इसका शुभंकर न्यूज़पेपर में हमेशा हाईलाइट में रहता था। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बछरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 139, 24 अगस्त 2023 को लखनऊ में डिजिटल नवाचार में उत्कृष्ट परियोजना वर्ग का पुरस्कार प्रदेश के किस योजना को प्रदान किया गया है, गोधन न्याय योजना, मुख्यमंत्री मितान योजना, महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना, ठीक है। तो लखनऊ में डिजिटल नवाचार में उत्कृष्ट परियोजना वर्ग का पुरस्कार किससे प्राप्त हुआ पूछा जाए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा मुख्यमंत्री मितान योजना को, ठीक है। ये योजना अभी भी चल रही है, भले सत्ता परिवर्तन हो गया है, सरकार बदल गई है, लेकिन ये योजना अभी भी चल रही है, ठीक है। ये योजना 1 मई 1
मई 2022 को इस योजना की शुरुआत हुई थी। इस योजना के माध्यम से जो शासकीय सेवाएं हैं उनकी घर पहुंच सुविधा दी जाती है, जैसे कि आधार कार्ड बनाना, पैन कार्ड बनाना, जाति प्रमाण पत्र बनाना, ठीक है, ऐसे अलग अलग प्रकार की इसमें जो है शासकीय सेवाओं की घर पहुंच सुविधा दी जा रही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये योजना जो है ये नगरीय क्षेत्र में बस लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140, छत्तीसगढ़ लघु वनोपज संघ द्वारा समर्थन मूल्य पर प्रदेश के कुल कितने लघु वनोपजों की खरीदी की जा रही है? ऑप्शन ए 57 प्रकार, ऑप्शन बी 61 प्रकार, ऑप्शन सी 65 प्रकार, ऑप्शन डी 67 प्रकार। ये क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, स्पेशली व्यापम में ऐसे क्वेश्चन बहुत उठाता है कि छत्तीसगढ़ लघु वनोपज संघ द्वारा समर्थन मूल्य पर कुल कितने प्रकार के लघु वनोपजों की खरीदी की जा रही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 67 प्रकार, 67 प्रकार के लघु वनोपजों की खरीदी समर्थन मूल्य पर की जा रही है छत्तीसगढ़ लघु वनोपज संघ के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 141 प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य महिला उद्यमिता नीति लागू की गई है वर्ष 2020 से 2025, 2021 से 2026, 2022 से 2027 और ऑप्शन डी है 2023 से 2028। फटाफट अपना आंसर बताइए। ठीक है, महिला उद्यमिता नीति महिला सशक्तिकरण की दृष्टि में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम, महिलाओं की उद्योगों में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य महिला उद्यमिता नीति लागू किया गया है। ये कब से कब तक के लिए लागू है? देखिए, ये जो है 5 वर्ष के लिए लागू है। फटाफट नीचे अपना आंसर बताइए, 2020 से 2025, 21 से 26, 22 से 27 या 23 से 28। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा वर्ष 2023 से वर्ष 2028। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142, परवाबाड़ी नामक नवीनतम गुफा किस जिले में गुफा की खोज, ठीक है, यहाँ पे शायद अधूरा लिखा हुआ है, गुफा की खोज किस जिले में की गई है? ऑप्शन ए बस्तर, ऑप्शन बी कोंडागांव, ऑप्शन सी कांकेर, ऑप्शन डी दंतेवाड़ा। फटाफट नीचे अपना आंसर बताइए कि परवाबाड़ी नामक नवीनतम गुफा की खोज किस जिले में की गई है? ऑप्शन ए बस्तर, ऑप्शन बी कोंडागांव, ऑप्शन सी कांकेर, ऑप्शन डी दंतेवाड़ा। परवाबाड़ी नामक गुफा की खोज, देखिए परवाबाड़ी खोजा गया एक नवीनतम गुफा है जिसे खोजा गया है आपके बस्तर जिले में। बस्तर जिले में जो कांगेर घाटी नेशनल पार्क है, कांगेर घाटी नेशनल पार्क में खोजा गया एक नवीनतम गुफा है आपका परवाबाड़ी नेशनल पार्क, इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 143, निम्नलिखित में से किस स्थान पर रेल इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना की गई है? पिछले साल ही इस रेल इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना की गई है, तो रेल इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? ऑप्शन ए WSR यानी कि वैगन रिपेयर शॉप रायपुर, ऑप्शन बी हथखोज दुर्ग, ऑप्शन सी रॉबर्टसन रायगढ़, ऑप्शन डी अकल तराई बिलासपुर। कहाँ पर जो है आपका रेलवे इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना की गई है? अब यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट गलती करेंगे, गलती क्या करेंगे, जैसे ही वैगन रिपेयर शॉप रायपुर का नाम आएगा फर्स्ट प्रेफरेंस उसको देंगे, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि रेलवे इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना दुर्ग जिले के हथखोज में की गई है, पिछले साल ही इसकी स्थापना हुई है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 144, आपके कांकेर जिले के तुमड़ीसुर नामक स्थान पर किस खनिज का भंडारण की पुष्टि की गई है? ऑप्शन ए लिथियम, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी डायमंड, ऑप्शन डी ग्रेफाइट। फटाफट अपना आंसर बताइए, तुमड़ीसुर नामक स्थान पर किस खनिज के भंडारण की पुष्टि की गई है? लिथियम, सोना, डायमंड, ग्रेफाइट। फटाफट नीचे अपना आंसर चैट सेक्शन में सेंड कीजिए। तुमड़ीसुर जो है ये कांकेर जिले में स्थित है, यहाँ पर गोल्ड सोने के भंडारण की पुष्टि की गई है। लिथियम काफ़ी हाईलाइटेड टॉपिक है, तो हर जगह लिथियम मत मार देना, लिथियम क्रोमियम निकल ये काफ़ी हाईलाइटेड टॉपिक है, तो हर जगह उसी को आंसर मत लेना। तुमड़ीसुर में जो है सोने के भंडारण की पुष्टि हुई है। करंट अफेयर के बुक में पिछले साल कौन कौन से नए खनिज भंडारित क्षेत्र की पुष्टि हुई है उसका एक टेबल बना करके दिया गया है, उस टेबल में जो जो नाम दिए गए हैं उन सभी नाम को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पुराने नाम तो इंपॉर्टेंट है जिससे परंपरागत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कोयला भंडारित क्षेत्र, लौह अयस्क भंडारित क्षेत्र, उससे तो क्वेश्चन आएंगे ही, लेकिन करंट अफेयर की बुक में जो टेबल बना करके जो नए खनिज भंडारित क्षेत्र की जो सूची मैंने उसमें दिया है उसको स्पेशली पढ़िएगा, वो नए क्षेत्र है उससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
ठीक है। तो तुमड़ीसूर, कांकेर जिले के तुमड़ीसूर में गोल्ड का भंडारण है। क्वेश्चन नंबर 145, कृषि और जल संसाधन क्षेत्र के लिए प्रदेश के आकांक्षी जिले राजनांदगांव को डेल्टा रैंकिंग में कौन सा स्थान प्रदान किया गया? प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान, चतुर्थ स्थान। आकांक्षी जिला की डेल्टा रैंकिंग, कृषि और जल संसाधन क्षेत्र के लिए राजनांदगांव को कौन सा स्थान मिला? फटाफट अपना आंसर नीचे सेंड कीजिए, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। देखिए समय जो है थोड़ा सा हमारे पास लिमिटेड है, इसलिए फटाफट अपने आंसर को टाइप कीजिएगा, मैं भी थोड़ा सा जल्दी जल्दी आंसर को बता रहा हूँ, ठीक है। तो राजनांदगांव जिले के जो आपका डेल्टा रैंकिंग है कृषि और जल संसाधन क्षेत्र में, इसमें जो है राजनांदगांव जिले को तृतीय स्थान, ठीक है, तीसरा स्थान प्रदान किया गया है, ठीक, तृतीय स्थान प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 146, छत्तीसगढ़ नाटक सुराजी गांव पुस्तक के लेखक कौन है? दुर्गा प्रसाद परमाकर, विश्वभूषण हरिचंदन, प्रोफेसर प्रोफेसर भगवान जयसिंह, और ऑप्शन डी है भागवत जायसवाल, ठीक है। सुराजी गांव पुस्तक, ये भी पुस्तक जो है काफ़ी हाईलाइट में था, पिछले जो आपके मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, उनके द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया। सुराजी गांव, सुराजी गांव पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक है दुर्गा प्रसाद पारकर, ठीक है, इसको शायद मैंने परमार पढ़ दिया, दुर्गा प्रसाद पारकर, ठीक है, दुर्गा प्रसाद पारकर के द्वारा सुराजी गांव पुस्तक जो है लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 147, राष्ट्रीय स्तर विश्वकर्मा सम्मान से सम्मानित गज्जू निर्मलकर का पारंपरिक व्यवसाय क्या है? ठीक है, गज्जू निर्मलकर का पारंपरिक व्यवसाय क्या है? ऑप्शन ए लोहार, ऑप्शन बी कुम्हार, ऑप्शन सी धोबी, ऑप्शन डी मोची। ठीक है, ये जो विश्वकर्मा सम्मान है, विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की भी शुरुआत की गई, जिसमें कुल 18 प्रकार के पारंपरिक व्यवसाय को शामिल किया गया, ठीक है, जैसे कि लोहार, कुम्हार, धोबी, मोची। इसी दिन जो है आपका विश्वकर्मा सम्मान जो है, ये पुरस्कार से भी जो है बहुत से लोगों को सम्मानित किया गया। हमारे प्रदेश के गज्जू निर्मलकर को पारंपरिक व्यवसाय के लिए जो है ये राष्ट्रीय स्तर का विश्वकर्मा सम्मान से सम्मानित किया गया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो ये किस व्यवसाय संबंधित है? ये है आपके धोबी लॉन्ड्री, ठीक है, धोबी है ये। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 148, हाल ही में प्रदेश के अबुजमाड़ मलखम और खेल अकादमी ने टेलीविजन रियलिटी शो इंडियाज गॉट टैलेंट 2023 के 10 सीजन को जीता, 10वां सीजन, 11वां सीजन, 12वां सीजन, 13वां सीजन। सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में ये आपका रियलिटी शो इंडियाज गॉट टैलेंट 2023 का प्रकाशन हुआ, जिसमें हमारे प्रदेश के नारायणपुर क्षेत्र के अबुजमाड़ मलखम एवं और खेल अकेडमी कि जो है इन्होंने प्रथम पुरस्कार जीता, ठीक है। इन्होंने ये जो आपका इंडियाज गॉट टैलेंट का ये 10वां सीजन था, ठीक है, कौन से नंबर का सीजन था? 10वें नंबर का सीजन था, ठीक। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 149, रसायन पीरियोडिक टेबल में परमाणु संख्या 96 और 109 वाले दो तत्वों के नाम के नामकरण में क्या यूनिक है? ऑप्शन ए नोबल पुरस्कार विजेताओं के नाम, ऑप्शन बी महिला वैज्ञानिकों के नाम, ऑप्शन सी भारतीय वैज्ञानिकों के नाम, ऑप्शन डी इनमें उनके कोई नाम नहीं है, ठीक है। परमाणु संख्या 96 और 109, फटाफट अपना आंसर नीचे टाइप कीजिए, ठीक है। रसायन पीरियोडिक टेबल परमाणु संख्या 96 और 109 वाले दो तत्वों के नाम के नामकरण में क्या यूनिक है? नोबल पुरस्कार विजेताओं के नाम, महिला वैज्ञानिकों के नाम, भारतीय वैज्ञानिकों के नाम, उनके कोई नाम नहीं है। देखिए ये जो एक्चुअली में ये क्वेश्चन इसलिए उठाया गया क्योंकि जो KBC कौन बनेगा करोड़पति जूनियर है, उसमें हमारे छत्तीसगढ़ के भिलाई के एक लड़के यानी कि 8 साल का एक छोटा सा लड़का है जिसका नाम है विराट अय्यर, वो पहुँचा था, उससे 1 करोड़ का सवाल पूछा गया था, 1 करोड़ का सवाल यही था, ठीक है, जिसका आंसर उन्होंने गलत दिया। तो देखिए इसमें जो परमाणु संख्या 96 है, परमाणु संख्या 96 जो कि क्यूरियम है, ठीक, ये जो 96 नंबर परमाणु संख्या है इसमें जो है आपका क्यूरियम तत्व है, क्यूरियम, और 109 पे जो है वो है माइटनेरियम,
तो ये जो आपके तत्व का जो नाम रखा गया क्यूरियम, ये मैरी क्यूरी के नाम पर रखा गया है, मैडम मैरी क्यूरी। और जो माइट नेरियम है ये नाम रखा गया लीसे मिटनर के नाम पर, मैडम लीसे मिटनर। ठीक है, इन दो वैज्ञानिकों के नाम पर रखा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर होता महिला वैज्ञानिकों के नाम पर। इसका आंसर उनके द्वारा गलत दिया गया, जो विराट अय्यर था उन्होंने गलत आंसर दिया और काफ़ी नीचे आ गए थे वो केबीसी में, जो अलग अलग आपका प्राइज मनी रहता है उसमें शायद उन्होंने 1 लाख या 3 लाख रुपए की राशि जीते, ये 1 करोड़ का सवाल था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150। राष्ट्रीय मूलभूत पशुपालन सांख्यिकी 2023 के अनुसार दुग्ध उत्पादन में भारतीय वैश्विक स्तर पर कौन से, भारत जो है वैश्विक स्तर पर कौन से स्थान पर है, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, फटाफट अपना आंसर टाइप कीजिए। ये एक नई रिपोर्ट है जो कि दिसंबर एंड में जारी हुआ है, इसमें हमारे छत्तीसगढ़ के भी बहुत सारे डाटा आए हैं, भारत के भी बहुत सारे डाटा है, अन्य राज्यों के भी डाटा है, इसको आपको याद करना है। ये भी अभी साल भर होने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इससे भी अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, फटाफट अपना आंसर बताइए। राष्ट्रीय मूलभूत पशुपालन सांख्यिकी 2023 के अनुसार दुग्ध उत्पादन में भारत वैश्विक स्तर पर कौन से स्थान पर है, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ। तो भारत जो है दुग्ध उत्पादन के मामले में विश्व में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, दुग्ध उत्पादन के मामले में भारत जो है विश्व में प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 151। राष्ट्रीय मूलभूत पशुपालन सांख्यिकी 2023 के अनुसार भारत में दुग्ध उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ऑप्शन ए 2.71%, ऑप्शन बी 3.83%, ऑप्शन सी 4.11%, ऑप्शन डी 4.54%। यानी कि जो पिछला रिपोर्ट आया था 2022 का, उसके कंपेरिजन में 2023 में भारत के दुग्ध उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अच्छा, कल के क्लास में जो हम बाघ रिपोर्ट 2022 आया था उसके वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देखे, लगभग 6 से 7 क्वेश्चन देख रहे थे। एक कोई स्टूडेंट था, 100 की भीड़ में एक आधी ऐसे कोई मिल ही जाते हैं, बोल रहा था मुझे लग रहा है कि बाघ रिपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे लग रहा है कि जो है कोई बाघ से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम होने वाला है, इतना क्वेश्चन कोई बनेगा क्या। अरे क्वेश्चन इतना सारा आपके प्रैक्टिस के लिए है, हो सकता है सभी क्वेश्चन को मिला करके एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक कथन आधारित क्वेश्चन ही बना दे। ऐसे अलग अलग क्वेश्चन, देखिए मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उसी से आएगा, ये जरूरी नहीं है। ये भी हो सकता है कि इन सभी को मिला करके एक ही क्वेश्चन लंबा कथन आधारित क्वेश्चन बना दे। मैं ये दावा बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ कि इससे क्वेश्चन आएगा, लेकिन इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई हाइलाइटेड टॉपिक है, जैसे कि बाघ रिपोर्ट वो हाइलाइटेड टॉपिक है, ठीक, आपका ये राष्ट्रीय मूलभूत पशुपालन सांख्यिकी रिपोर्ट ये हाइलाइटेड टॉपिक है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट ये हाइलाइटेड टॉपिक है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बहुआयामी गरीबी सूचकांक ये हाइलाइटेड टॉपिक है। इससे भले एक ना एक क्वेश्चन, इससे जो है पूरा तो इतना आपका क्वेश्चन पेपर भर के नहीं आएगा, लेकिन एक ना एक क्वेश्चन दिखेगा ही। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से साल भर होने वाले एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। ठीक है, तो वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को अच्छे से कीजिएगा। 100% में ये नहीं बोलता कि क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हाँ ये हाईलाइटेड टॉपिक है। जैसे कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट जब जारी हुआ था तो उसके बाद बैक टू बैक 3 to 4 आपके जो एग्जाम हुए थे उसमें क्वेश्चन आए थे। वैसे ही जो आपका बहुआयामी गरीबी सूचकांक है ये भी काफी हाईलाइटेड टॉपिक है, इसको अच्छे से कीजिए। जो बाघ रिपोर्ट आया है उसको अच्छे से कीजिए, इससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज्यादा है आंकड़ों से संबंधित। ठीक है, तो राष्ट्रीय मूलभूत पशुपालन सांख्यिकी 2023 के अनुसार भारत में दुग्ध उत्पादन कितने प्रतिशत, दुग्ध उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है पूछा जा रहा है, तो 3.83% की वृद्धि हुई है, 3.83% की वृद्धि हुई है पिछले बार की तुलना में। ठीक है, दुग्ध उत्पादन में भारत जो है विश्व में पहले स्थान पर है। राष्ट्रीय मूलभूत पशुपालन सांख्यिकी 2023 के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता कितनी है, यानी कि एक व्यक्ति को एक साल में कितना दूध उपलब्ध होता है। ऑप्शन ए 321 ग्राम प्रतिदिन, ऑप्शन बी 387 ग्राम प्रतिदिन, ऑप्शन सी 423 ग्राम प्रतिदिन, ऑप्शन डी 459 ग्राम प्रतिदिन। ठीक है, फटाफट अपना आंसर बताइए। एक व्यक्ति को एक साल में कितना दुग्ध की उपलब्धता होती है ऑन एन एवरेज, औसतन बात की जा रही है,
तो भारत में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता कितनी है? 459 ग्राम प्रतिदिन। ये भारत में एक व्यक्ति को एक दिन में इतना दूध मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी सब अभी इसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है। राष्ट्रीय मूलभूत पशुपालन सांख्यिकी 2023 के अनुसार भारत में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन किस राज्य में होता है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। सर्वाधिक दुग्ध का उत्पादन किस राज्य में होता है पूछा जा रहा है, फटाफट अपना आंसर बताइए। राष्ट्रीय मूलभूत पशुपालन सांख्यिकी 2023 के अनुसार भारत में सर्वाधिक दुग्ध का उत्पादन किस राज्य में होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक दुग्ध का उत्पादन होता है। पहले नंबर पर है यूपी, सेकेंड नंबर पर है आपका राजस्थान और थर्ड नंबर पर है आपका एमपी मध्य प्रदेश, ठीक है। सर्वाधिक दुग्ध के उत्पादन वाले तीन राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारा डाटा जो है करंट अफेयर के बुक में दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 154, राष्ट्रीय मूलभूत पशुपालन सांख्यिकी 2023 के अनुसार अंडा उत्पादन में भारत वैश्विक स्तर पर कौन से स्थान पर है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, फटाफट अपना आंसर बताइए। अंडा एक्स, अंडे के उत्पादन में भारत जो है वैश्विक स्तर पर कौन से स्थान पर है? प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान, चतुर्थ स्थान। इसका करेक्ट आंसर होगा तृतीय स्थान पर है। अंडे के उत्पादन में भारत जो है तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय मूलभूत पशुपालन सांख्यिकी 2023 के अनुसार अंडा उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 5.17%, 5.29%, 6.43%, 6.77%। पिछले रिपोर्ट की तुलना में भारत में जो है कितने प्रतिशत आपके अंडे उत्पादन में वृद्धि हुई है? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 6.77%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 156 नंबर क्वेश्चन, 156। राष्ट्रीय मूलभूत पशुपालन सांख्यिकी 2023 के अनुसार भारत में सर्वाधिक अंडे का उत्पादन किस राज्य में होता है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। फटाफट अपना आंसर बताइए। सर्वाधिक अंडे का उत्पादन कहां होता है? कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। अंडे का सर्वाधिक उत्पादन होता है आपके आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश पहले नंबर पर है, सेकंड नंबर पर है तमिलनाडु और थर्ड नंबर पर है आपका तेलंगाना, ठीक है। यानी कि सभी के सभी जो है साउथ के राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय मूलभूत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर को किस परियोजना के तहत देश का सर्वश्रेष्ठ केंद्र पुरस्कार प्रदान किया गया है? कुसुम परियोजना, मूलार्प परियोजना, राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी परियोजना, जैविक खेती परियोजना। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा किस परियोजना के तहत देश का सर्वश्रेष्ठ केंद्र पुरस्कार प्रदान किया गया है? कुसुम परियोजना, मूलार्प परियोजना, राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी परियोजना, जैविक खेती परियोजना। फटाफट अपना आंसर बताइए। ये पुरस्कार प्रदान किया गया है आपके मूलार्प परियोजना के अंतर्गत। मूलार्प, MULLRP, ये जो मूलार्प परियोजना है, इस मूलार्प परियोजना का संबंध 6 दलहनी फसलों से है। इन दलहनी फसलों, 6 प्रकार के दलहनी फसलों पर अनुसंधान करने और उस पर रिसर्च, यानी कि रिसर्च और उसका विस्तार करने के लिए, अनुसंधान और विस्तार के लिए मूलार्प योजना आपके इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में चल रही है। इसमें 6 प्रकार के दलहनी फसल शामिल है। नाम से स्पष्ट है, मूलार्प, एम से मूंग, ठीक है, यू से उड़द, एल से है आपका लेथिल, लेथिल को कहा जाता है आपका मसूर, ठीक है। एक एल है, एल का मतलब है लिथायरस, लिथायरस का मतलब है आपका तिवड़ा, ठीक है। उसके बाद आर से राजमा, पी से पी मतलब मटर, ठीक। तो मूलार्प परियोजना के लिए जो है आपका भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को पुरस्कार प्रदान किया गया है, सर्वश्रेष्ठ केंद्र का पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 158,
राष्ट्रीय मूलभूत पशुपालन सांख्यिकी 2023 के अनुसार भारत में सर्वाधिक मांस मीट का उत्पादन किस राज्य में होता है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात। फटाफट आंसर बताइए। मांस का उत्पादन, मीट का उत्पादन कहां पर होता है? पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय मूलभूत पशुपालन सांख्यिकी 2023 के अनुसार सर्वाधिक मीट का उत्पादन, मांस का उत्पादन कहां होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका उत्तर प्रदेश। फर्स्ट नंबर पर है आपका यूपी, सेकंड नंबर पर है आपका महाराष्ट्र और थर्ड नंबर पर है आपका गुजरात। ठीक है, ये जो है इन स्टेट में सर्वाधिक मांस, सर्वाधिक मीट का उत्पादन होता है। सॉरी, ये रैंकिंग गलत है। सेकंड नंबर पर है आपका उत्तर प्रदेश, फर्स्ट में है उत्तर प्रदेश, सेकंड नंबर पर है आपका पश्चिम बंगाल और थर्ड में है महाराष्ट्र। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 159, राष्ट्रीय मूलभूत पशुपालन सांख्यिकी। देखिए, बार बार जो है आप राष्ट्रीय मूलभूत पशुपालन सांख्यिकी क्वेश्चन देख के भले ही बोर हो रहे होंगे, लेकिन मैं बता रहा हूं, हो सकता है संभवतः एक कथन आधारित क्वेश्चन उठा करके डाल दे, ठीक है, वहां फिर आप हड़बड़ा जाओगे। एक नजर मार करके चले जाना, छत्तीसगढ़ के आंकड़े तो पढ़ने हैं, भारत के आंकड़े को भी एक नजर में देख लेना। राष्ट्रीय मूलभूत पशुपालन सांख्यिकी 2023 के अनुसार ऊन के उत्पादन में भारत के अग्रणी राज्यों का क्रम है। ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात। ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान। ऑप्शन सी राजस्थान, जम्मू कश्मीर, गुजरात। ऑप्शन डी गुजरात, जम्मू कश्मीर, राजस्थान। फटाफट अपना आंसर बताइए। ऊन के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन कौन से, उनका क्रम बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा राजस्थान, गुजरात, सॉरी राजस्थान, जम्मू कश्मीर और गुजरात। सर्वाधिक ऊन का उत्पादन राजस्थान में होता है, सेकंड नंबर पर है जम्मू कश्मीर और थर्ड नंबर पर है आपका गुजरात। ठीक है, ऊन के उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 160, राष्ट्रीय मूलभूत पशुपालन सांख्यिकी 2023 के अनुसार छत्तीसगढ़ में दुग्ध उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है पिछले रिपोर्ट की तुलना में? 3.83%, ऑप्शन बी 4.11%, ऑप्शन सी 4.54%, ऑप्शन डी 5.80%। फटाफट अपना आंसर बताइए। दुग्ध उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है पिछले रिपोर्ट की तुलना में? तो राष्ट्रीय मूलभूत पशुपालन सांख्यिकी 2023 के अनुसार पिछले रिपोर्ट की तुलना में छत्तीसगढ़ में दुग्ध उत्पादन में 5.80% की वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय मूलभूत पशुपालन सांख्यिकी 2023 के अनुसार छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता कितनी है? 118 ग्राम प्रतिदिन, 148 ग्राम प्रतिदिन, 168 ग्राम प्रतिदिन, 180 ग्राम प्रतिदिन। फटाफट अपना आंसर बताइए। भारत में जो सॉरी छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता कितनी है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 180 ग्राम प्रतिदिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय मूलभूत पशुपालन सांख्यिकी 2023 के अनुसार छत्तीसगढ़ में दुग्ध का उत्पादन कितना अनुमानित है? 839,000 टन, 1,235,000 टन, 1,584,000 टन और 1,955,000 टन। करंट अफेयर जिन्होंने पढ़ा हुआ है बुक, उनसे ये क्वेश्चन शायद बनेंगे। ठीक है, उसमें पूरा डाटा दिया गया है, डाटा को एक नजर में याद रखिएगा। पूरा डाटा याद नहीं होता तो एप्रोक्स में याद रखिए। ठीक, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 1,955,000 टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 163, क्वेश्चन नंबर 163। नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार भारत में कितनी आबादी बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए है? 11.7 करोड़, 13.5 करोड़, 14.9 करोड़ और 15.3 करोड़। ठीक है, छत्तीसगढ़ में तो लगभग 40 लाख आबादी बहुआयामी गरीबी से बाहर हुई है, इसमें भारत का पूछ रहा है। फटाफट अपना आंसर नीचे सेंड कीजिए। भारत में कितनी आबादी बहुआयामी गरीबी से बाहर हुई है? मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा 13.5 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय मूलभूत पशुपालन सांख्यिकी 2023 के अनुसार छत्तीसगढ़ में उत्पाद
छत्तीसगढ़ में किस उत्पाद में वृद्धि दर ऋणात्मक रही, ठीक है, किस, वहां पे शायद मिस है, किस उत्पाद में वृद्धि दर ऋणात्मक रही, दुग्ध उत्पादन, अंडा उत्पादन, मांस उत्पादन, ऊन उत्पादन, ठीक है, किसके उत्पादन में जो है आपका वृद्धि दर ऋणात्मक रहा, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दुग्ध उत्पादन, अंडा उत्पादन, मांस उत्पादन, ऊन उत्पादन, ठीक है। टेबल को जाकर के देखिएगा, इन चारों में से ऊन का जो उत्पादन है वो पिछले रिपोर्ट की तुलना में नेगेटिव रहा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 165, सूची एक उत्पाद, सूची दो छत्तीसगढ़ की रैंकिंग राष्ट्रीय स्तर पर सुमेलित कीजिए। एक तरफ उत्पादों के नाम दिया गया, दुग्ध उत्पादन, अंडा उत्पादन, मांस उत्पादन, ऊन उत्पादन, दूसरी तरफ रैंकिंग दी गई है 15वां, 19वां, 15वां, 18वां। अच्छा, ये क्वेश्चन ना डिलीट करना, दो जगह जो है 15वां रैंकिंग लिखा गया है, इस क्वेश्चन को कैंसिल करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को जा करके जो है आप करंट अफेयर के बुक से पढ़िएगा कि दुग्ध उत्पादन में छत्तीसगढ़ की रैंकिंग, अंडा उत्पादन में छत्तीसगढ़ की रैंकिंग, मांस उत्पादन में छत्तीसगढ़ की रैंकिंग और ऊन उत्पादन में छत्तीसगढ़ की रैंकिंग क्या है, ठीक है। इसे जो है आप एक बार करंट अफेयर के बुक से पढ़ लीजिए, इसको या तो मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट। अच्छा, ये रैंकिंग जो है यहाँ पर आपका सही दिया है, सही दिया है, यानी कि इसमें दो जगह 15 है तो इसका तो मैच द फॉलोइंग बनाना ही नहीं चाहिए था। देखिए, जैसे दुग्ध उत्पादन में हमारा छत्तीसगढ़ ये 18वें स्थान पर है, ठीक है, 18वें स्थान पर। अंडा उत्पादन में हमारा छत्तीसगढ़ 15वें स्थान पर है। मांस उत्पादन में हमारा छत्तीसगढ़ ये 19वें स्थान पर है और ऊन उत्पादन में हमारा छत्तीसगढ़ जो है ये 15वें स्थान पर है, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से भी आप अपना आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें से कोई एक आदि इंडिविजुअल पूछ लिया तो पूछ लिया, वैसे इससे क्वेश्चन पूछने की संभावना थोड़ी कम लग रही है रैंकिंग से। नेक्स्ट देखिए, वो प्रति व्यक्ति मांस उपलब्धता, प्रति व्यक्ति अंडा उपलब्धता, प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता, इससे शायद क्वेश्चन बन सकते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीति आयोग द्वारा राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक का द्वितीय संस्करण हाल ही में जारी किया गया, इस रिपोर्ट के आधार पर ने इस रिपोर्ट का आधार राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 वर्ष 2019-21 है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में विगत 5 वर्षों में गरीबी संख्या में 5.89% की गिरावट दर्ज की गई। इस सूचकांक में स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर 3 भारित आयाम शामिल थे। सही उत्तर का चयन कीजिए, कथन 1 और 2, कथन 1, 2 और 3, कथन 1, 2 और 4, कथन 1, 2, 3 और 4, यानी कि सभी कथन सही है। तो बताइए फटाफट अपना आंसर दीजिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक है उसके बारे में जो 4 कथन दिए गए हैं, इन 4 कथनों में से कौन सा कथन सही है, फटाफट आंसर बताइए। देखिए कथन पढ़ते हैं, नीति आयोग द्वारा राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक का द्वितीय संस्करण हाल ही में जारी किया गया, सही है। ये सेकेंड नंबर का जो है सेकेंड नंबर का इसका संस्करण था, एडिशन था। नेक्स्ट कथन है, इस रिपोर्ट का आधार राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 2019-21 है, यानी कि जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट 5 को जो है इसमें रिफरेंस आधार बनाया गया, इसका कंपैरिजन किया गया है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट 4 से, ठीक है, इसका कंपैरिजन किया गया है, यानी कि पिछले 5 साल के आंकड़े। इस रिपोर्ट के अनुसार विगत 5 वर्षों में गरीबी जनसंख्या 5.89% की गिरावट दर्ज की गई है, ये कथन होगा गलत। 5.89 नहीं है, यहाँ पर 9.89% भारत में जो है 9.89% की गिरावट दर्ज की गई है। इस सूचकांक में स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर 3 भारित आयाम है, ये कथन सही है। देखिए, ये गरीबी सूचकांक का मतलब, गरीबी मतलब केवल पैसों से गरीबी नहीं, गरीबी में 3 आयाम है, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, ठीक है, इसलिए इसे नाम दिया गया बहुआयामी, एक से अधिक आयाम। केवल गरीब का मतलब पैसों से गरीब नहीं, उसमें स्वास्थ्य को भी शामिल किया गया है, शिक्षा को भी शामिल किया गया है, जीवन स्तर को भी शामिल किया गया है। ये 3 भारित आयाम है जिसके अंतर्गत टोटल 12 संकेतकों को शामिल किया गया है, डिटेल में दिया गया करंट अफेयर की बुक में, उसे पढ़िएगा, ठीक है। तो इसका सही कथन कौन सा होगा, इसका सही कथन होगा 1, 2 और 4, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 167, नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार
राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी जनसंख्या कितनी है, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर बहुआयामी गरीबी जनसंख्या कितनी है, कुल आबादी का 14.96%, 19.96%, 23.71%, 28.43%, 14.96, 19.96, 23.71, 28.43, फटाफट अपना आंसर बताइए। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी जनसंख्या कितनी प्रतिशत है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 14.96%, कुल आबादी की 14.96% आबादी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी जनसंख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार भारत में सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी जनसंख्या किस राज्य में है, ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश, फटाफट अपना आंसर बताइए। सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी जनसंख्या किस राज्य में है, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बिहार, ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा, बिहार फर्स्ट नंबर पर है आपका, बिहार सेकंड नंबर पर है, झारखंड और थर्ड नंबर पर है आपका मेघालय, सेवन सिस्टर स्टेट में से एक। सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी, टॉप थ्री के नाम कम से कम याद रखिएगा, बिहार में लगभग 33.76% आबादी यहां पे बहुआयामी गरीबी जनसंख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 169, इसी से मिलता जुलता, नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार भारत में न्यूनतम बहुआयामी गरीबी जनसंख्या किस राज्य में है, ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी केरल, फटाफट अपना आंसर बताइए। सबसे न्यूनतम यानी कि न्यूनतम बहुआयामी गरीबी जनसंख्या किस राज्य में है, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका केरल, सबसे कम गरीबी आपका केरल में है, फर्स्ट नंबर पर है आपका केरल, मात्र 0.55% आबादी गरीबी जनसंख्या है, सेकंड नंबर पर है तमिलनाडु, सॉरी सेकंड नंबर पर है आपका गोवा और थर्ड नंबर पर है आपका तमिलनाडु, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में गरीबी दर प्रतिशत कितना अनुमानित है, या तो क्वेश्चन ग्रामीण क्षेत्र का पूछ सकता है या रैंडम क्वेश्चन शहरी क्षेत्र का पूछ सकता है या दोनों मिला के पूछ सकता है, ऑप्शन ए 13.38 और 6.09, ऑप्शन बी 14.57 और 7.33, ऑप्शन सी 17.82 और 9.12, ऑप्शन डी 19.28 और 5.27, फटाफट अपना आंसर बताइए। यहां पर किसका पूछ रहा है, ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र का युग्म पूछ रहा है, कॉम्बिनेशन। तो भारत में ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी प्रतिशत दर है 19.28 और शहरी क्षेत्र में बहुआयामी गरीबी प्रतिशत दर है 5.27%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 171, नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में में गरीबी दर का प्रतिशत अनुमानित है, ऑप्शन ए 14.24 और 3.05, ऑप्शन बी 15.29 और 4.26, ऑप्शन सी 19.71 और 4.59, ऑप्शन डी 21.23 और 5.18, फटाफट अपना आंसर बताइए। छत्तीसगढ़ में जो है कितना आपका अनुमानित है ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में, इसका करेक्ट आंसर देखिए, इससे भी जो है रैंडम क्वेश्चन पूछ सकता है, छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में जो है गरीबी दर का प्रतिशत कितना अनुमानित है, शहरी क्षेत्र में गरीबी दर का प्रतिशत कितना अनुमानित है, दोनों को एक साथ बता रहा हूं। यहां पे देखिएगा 19.71 ये ग्रामीण क्षेत्र का है और 4.59 ये शहरी क्षेत्र का गरीबी दर है, ठीक है, ये है आपका शहरी और ये है आपका ग्रामीण। देखिए आंकड़े वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में काफ़ी बोरिंग लगता है क्योंकि वास्तविकता ये है कि आंकड़े याद नहीं होते हैं, ठीक है, इसलिए इसके डाटा बोरिंग लगते हैं, लेकिन डाटा को पढ़िएगा, मैं बार बार बता रहा हूँ, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 172, नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार छत्तीसगढ़ में गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यापन करने वाली आबादी 2019-21 अनुमानित है 16.37% आबादी, ऑप्शन बी 18.26% आबादी, ऑप्शन सी 19.43% आबादी, ऑप्शन डी 20.72% आबादी। ठीक है, कितनी आबादी जो है ये गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यापन कर रही है, BPL बिलो दी पावर्टी लाइन, बहुआयामी गरीबी सूचकांक की बात की जा रही है। तो छत्तीसगढ़ में 16.37% आबादी जो है ये गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यापन कर रही है। छत्तीसगढ़ की कुल आबादी का 16.37% आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यापन कर रही है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के आधार पर। ठीक है, ये आपका BPL के जो आंकड़े हैं ना ये अलग अलग हो सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का डाटा अलग रहता है, स्टेट गवर्नमेंट का डाटा अलग रहता है, ये जो रिपोर्ट आते हैं उसके डाटा अलग रहते हैं। तो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के आधार पर छत्तीसगढ़ की कुल आबादी का 16.37% आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यापन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 173, नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक और न्यूनतम बहुआयामी गरीबी जनसंख्या है। केंद्र शासित प्रदेशों के नाम दिया गया है, 1 दिल्ली, 2 लद्दाख, 3 लक्षद्वीप, 4 पांडिचेरी, 5 चंडीगढ़, 6 जम्मू कश्मीर, 7 अंडमान और निकोबार, 8 दादर नागर हवेली और दमन दीव। अपना सही कथन चुनिए, यहाँ पे कॉम्बिनेशन पूछ रहा है। सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी किस केंद्र शासित प्रदेश की है और सबसे कम किस केंद्र शासित प्रदेश की है, इसका कॉम्बिनेशन पूछ रहा है। दो कॉम्बिनेशन यहाँ पे चुनिए, सर्वाधिक कौन से किस में है और सबसे कम किस में है, फटाफट आंसर बताइए। आपको केवल नीचे ऑप्शन ऑप्शन यानी कि अपना, चलिए आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ, ये देखिए ऑप्शन ए 6 और 2, ऑप्शन बी 7 और 3, ऑप्शन सी 8 और 4, ऑप्शन डी 5 और 1। ठीक है, यहाँ पर आपको दिया गया है, ऑप्शन दिए गए हैं, ऊपर तरफ जो है क्वेश्चन और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम दिए गए हैं, फटाफट अपना आंसर चुनिए। कॉम्बिनेशन है युग्म, सर्वाधिक कहाँ पर है, सबसे कम कहाँ पर है। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका दमन दीव और आपका पांडिचेरी पुंडुचेरी। दमन दीप में सर्वाधिक, सर्वाधिक यानी केंद्र शासित प्रदेशों की बात हो रही है, दमन दीप में है 9.21%, जबकि आपका पुंडुचेरी में है 0.85%। तो सर्वाधिक आपके किस केंद्र शासित प्रदेश में बहुआयामी गरीबी है, दमन दीव और दादर नगर हवेली, और सबसे कम है पुंडुचेरी में। ठीक, नेक्स्ट देखिए, अगर भारतीय राज्यों की बात हो रही है तो सर्वाधिक बिहार, सबसे कम केरल। छत्तीसगढ़ के संबंध में राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 पर विचार कीजिए। रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में पिछले 5 वर्षों में 13.53% आबादी बहुआयामी गरीबी से बाहर आ चुकी है। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण क्षेत्र में 16.02% आबादी बहुआयामी गरीबी से बाहर आ चुकी है। छत्तीसगढ़ के शहरी क्षेत्र में 5.58% आबादी बहुआयामी गरीबी से बाहर आ चुकी है। विगत 5 वर्षों में लगभग 40 लाख आबादी बहुआयामी गरीबी से बाहर आ चुकी है। इसके अधिकांश डाटा हम पहले कवर कर चुके हैं, अगर ध्यान दे रहे होंगे तो ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा। सही उत्तर का चयन कीजिए, 1 और 3, 1, 2 और 4, 1, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4, फटाफट अपना आंसर बताइए। देखिए मैं यहाँ पे बताते जा रहा हूँ, रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में पिछले 5 वर्षों में 13.53% आबादी बहुआयामी गरीबी से बाहर आ चुकी है, ये कथन सही है। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण क्षेत्र में 16.02% आबादी बहुआयामी गरीबी से बाहर आ चुकी है, 16.02% आबादी गरीबी से बाहर आई है। ठीक है, ये आपका कथन सही है। छत्तीसगढ़ के शहरी क्षेत्रों में 5.58% आबादी बहुआयामी गरीबी से बाहर आई है। इससे पहले जो हमने आंकड़े देखे थे वो ग्रामीण क्षेत्र में कितनी बहुआयामी गरीबी आबादी है, यहाँ पर बोला जा रहा है बहुआयामी गरीबी से बाहर आ चुके हैं। कितनी आबादी बहुआयामी गरीब है उसका परसेंटेज अलग है, कितनी आबादी बहुआयामी गरीबी से बाहर आ चुकी है उसका परसेंटेज अलग है, 5.58%। विगत 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ में जो है 40 लाख आबादी बहुआयामी गरीबी से बाहर आ चुकी है, ये कथन सही है, यानी कि चारों के चारों कथन यहां पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 175, नीति आयोग की राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के कुल कितने जिले बहुआयामी गरीबी का अनुपात अब 10% से कम रह गया है। ऑप्शन ए 4 जिले, ऑप्शन बी 5 जिले, ऑप्शन सी 6 जिले, ऑप्शन डी 7 जिले। यानी कि यहां पर पूछ रहा है
जो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो जारी किया गया नीति आयोग के द्वारा, उसमें प्रदेश के कुल कितने जिले, ठीक है, प्रदेश के कुल कितने जिलों में बहुआयामी गरीबी का जो परसेंटेज है वो 10% से कम है, ठीक है, कितने का जो आपका कितने जिलों का प्रतिशत बहुआयामी गरीबी का जो प्रतिशत है ये 10% से कम है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। फटाफट अपना आंसर बताइए। देखिए टोटल इसका आंसर होगा टोटल 4 जिले, एक है रायपुर, दूसरा है धमतरी, तीसरा है बालोद, सभी आसपास के जिले हैं, चौथा है आपका दुर्ग। ये 4 जिले जिनमें जो गरीबी है ये 10% से कम है, ठीक है। रायपुर की बात की जाए तो 8.73%, दुर्ग की बात की जाए तो 3.55, धमतरी की बात की जाए तो 5.81 और बालोद की बात की जाए तो 5.77। इन 4 जिलों में बहुआयामी गरीबी के जो आपका अनुपात है वो 10% या 10% से कम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 176, नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी जनसंख्या किस जिले में है? ऑप्शन ए कबीरधाम, ऑप्शन बी नारायणपुर, ऑप्शन सी बीजापुर, ऑप्शन डी सुकमा। अगर आपने वो पहला करेक्शन वाला टेबल देखा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी जनसंख्या किस जिले की है। फटाफट अपना आंसर बताइए। ऑप्शन ए कबीरधाम, ऑप्शन बी नारायणपुर, ऑप्शन सी बीजापुर, ऑप्शन डी सुकमा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा बीजापुर। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी जनसंख्या बीजापुर में है। बीजापुर में लगभग 49.72% आबादी बहुआयामी गरीबी जनसंख्या है। अगर टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो फर्स्ट नंबर पर है बीजापुर। मैप बना करके करंट अफेयर की बुक में मैंने अलग से हाईलाइट किया है। सेकेंड नंबर पर है सुकमा, जहाँ पर सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी जनसंख्या है। थर्ड नंबर पर है आपका नारायणपुर। अगर अप्रोक्सीमेट में डाटा याद रखना है तो बीजापुर में 49% 42% और नारायणपुर में है आपका 36%। ये अप्रोक्सीमेट डाटा है, ठीक। टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट जहां पे सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी जनसंख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 177, नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार छत्तीसगढ़ में न्यूनतम बहुआयामी गरीबी जनसंख्या किस जिले में है? ऑप्शन ए रायपुर, ऑप्शन बी दुर्ग, ऑप्शन सी बालोद, ऑप्शन डी धमतरी। आपको मैंने बताया था हमारे छत्तीसगढ़ के 4 जिले रायपुर, दुर्ग, बालोद, धमतरी, इन सभी में बहुआयामी गरीबी आबादी 10% से कम है। देखिए वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, इसमें अलग से हाईलाइट करके बताया गया है, ठीक है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका दुर्ग, ठीक है। दुर्ग जहां पर 3.55% आबादी जो है ये बहुआयामी गरीबी के अंतर्गत आते हैं। अगर हम बात करें रायपुर में तो रायपुर में कितना है? 8.73 और आपका धमतरी में है 5.81 और बालोद में है 5.77, ठीक है। चारों में जो है आपका 10% से कम बहुआयामी गरीबी जनसंख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 178, नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार छत्तीसगढ़ किस जिले की सर्वाधिक आबादी गरीबी से बाहर आई है, ठीक है। पिछले 5 सालों में किस जिले की सर्वाधिक आबादी बहुआयामी गरीबी से बाहर आई है? ऑप्शन ए कोरिया, ऑप्शन बी जशपुर, ऑप्शन सी रायगढ़, ऑप्शन डी कबीरधाम। फटाफट अपना आंसर बताइए। सर्वाधिक आबादी बहुआयामी गरीबी से बाहर आई है पिछले रिपोर्ट की तुलना में, कोरिया, जशपुर, रायगढ़, कबीरधाम। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका कबीरधाम। पिछले 5 वर्षों में 25.79% आबादी जो है पिछले 5 सालों में बहुआयामी गरीबी से बाहर आई है। रिपोर्ट को जाकर करंट अफेयर के बुक में पढ़िएगा, काफ़ी अच्छे से मैप बना करके हाईलाइट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 179, नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस संकेतक में पिछली रिपोर्ट की तुलना में गिरावट दर्ज की गई?
टोटल 12 संकेतक है, जिसमें से कुछ को यहाँ पे लिखा गया 4 संकेतक को मातृत्व स्वास्थ्य, स्कूल शिक्षा के वर्ष, स्कूलों में उपस्थिति और खाना पकाने के ईंधन। इसमें बोला जा रहा है कि पिछले रिपोर्ट की तुलना में गिरावट दर्ज की गई है, सर्वाधिक गिरावट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका स्कूलों में उपस्थिति, ठीक है। ये एक ही सूचकांक है जिसमें सर्वाधिक गिरावट दर्ज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी पढ़ने में लग रहा होगा कैसे उटपटांग क्वेश्चन है, लेकिन ना अगर छत्तीसगढ़ CGPSC प्री एग्जाम में छत्तीसगढ़ के 50 क्वेश्चन का वेटेज है, तो उसमें से 40 क्वेश्चन आपके ऑलरेडी पढ़े हुए होंगे और 10 क्वेश्चन आपको यूनिक ही मिलेंगे, ठीक है। वो यूनिक क्वेश्चन यहीं कहीं से होंगे और कुछ ऐसे आपके GS के क्वेश्चन उठा के देगा जिसको आप पहली बार एग्जाम में देखेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 180, पूनम चतुर्वेदी का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए क्रिकेटर, ऑप्शन बी कलारी पयट्टू, ऑप्शन सी मलखाम, ऑप्शन डी बास्केटबॉल। फटाफट आंसर बताइए, पूनम चतुर्वेदी का संबंध किस खेल से है? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बास्केटबॉल, ठीक है। बास्केटबॉल प्लेयर है, काफ़ी इनकी हाइट काफ़ी लंबी है। ये भारतीय आपके बास्केटबॉल टीम में, यानी कि भारत में सबसे ऊंची कद की बास्केटबॉल प्लेयर है। हाल ही में इनका नाम चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि ये जो है आपका एशियाई गेम जो हो रहा था उसमें शामिल, आपकी जो बास्केटबॉल टीम थी उसमें शामिल छत्तीसगढ़ की एकमात्र प्लेयर थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 181, छत्तीसगढ़ खनिज संसाधन विभाग द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2022-23 के अनुसार राष्ट्रीय खनिज उत्पादन मूल्य में राज्यों की भागीदारी क्रम 2021-22 में छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान, चतुर्थ स्थान। प्रश्न क्या बोला जा रहा है, ध्यान समझिएगा। जो प्रशासनिक प्रतिवेदन जारी किया गया खनिज विभाग के द्वारा 2022-23, उसके अनुसार राष्ट्रीय खनिज उत्पादन मूल्य में राज्यों की भागीदारी क्रम 2021-22 में छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। फटाफट अपना आंसर बताइए। इस क्रम में जो है हमारा छत्तीसगढ़ आपका द्वितीय स्थान पर है, ठीक है। कौन से स्थान पर है? द्वितीय स्थान पर है हमारा छत्तीसगढ़, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका जो करंट अफेयर की बुक है उसमें बकायदा एक पाई डायग्राम बना करके दिया गया है, उसमें इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2020, इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2021 और 22 दोनों के आंकड़े करंट अफेयर की बुक में दिया गया है, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण मेरे हिसाब से 2021 के आंकड़े हैं, करंट अफेयर की बुक में 2022 के डाटा मैंने शामिल कर दिए हैं, वो नया लेटेस्ट डाटा है, उसको भी पढ़िएगा, ठीक है। देखिए ये डाटा ना कब नए डाटा आ जाते हैं पता ही नहीं चलता, इंडियन मिनरल्स ईयर बुक के 2022 के नए डाटा आए हैं जिसे करंट अफेयर मैंने शामिल कर दिया है, ठीक है, उसे वहां से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 182, वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रदेश के किस प्रमुख खनिज से सर्वाधिक रॉयल्टी राजस्व प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी लौह अयस्क, ऑप्शन सी चूना पत्थर, ऑप्शन डी बॉक्साइट। फटाफट अपना आंसर बताइए, वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रदेश के किस खनिज से सर्वाधिक रॉयल्टी राजस्व प्राप्त हुआ है? कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर, बॉक्साइट। फटाफट आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका लौह अयस्क, ठीक है। पिछले कुछ सालों से कोयला से जो है सर्वाधिक रॉयल्टी राजस्व की प्राप्ति होती थी, लेकिन इस साल जो है कोयले से आगे होकर के लौह अयस्क से सर्वाधिक रॉयल्टी राजस्व की प्राप्ति हुई है वित्तीय वर्ष 2022-23 में। नेक्स्ट, वर्ष 2021-22 में राष्ट्रीय खनिज उत्पाद मूल्य में राज्यों की भागीदारी प्रतिशत कोयला, प्राकृतिक गैस और गौड़ खनिज को छोड़ करके छत्तीसगढ़ की भागीदारी प्रतिशत कितनी है? राष्ट्रीय, यहाँ क्या बोल रहा है, राष्ट्रीय खनिज उत्पादन मूल्य में राज्यों की भागीदारी प्रतिशत में छत्तीसगढ़ की भागीदारी प्रतिशत कितनी है? ऑप्शन ए 17.34, ऑप्शन बी 14.10, ऑप्शन सी 13.24, ऑप्शन डी 18.43%। फटाफट आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 17.34%, ठीक है। जैसे कि हमने इससे पहले एक क्वेश्चन और देखा था, कौन सा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका ये 181, जिसमें हमने देखा कि छत्तीसगढ़ की भागीदारी दूसरे स्थान पर है, ठीक है। अगर हम टॉप 3 स्टेट की बात करें तो पहले नंबर पर है आपका उड़ीसा 44.5
11% भागीदारी है राष्ट्रीय खनिज मूल्य में। सेकेंड नंबर पर है हमारा छत्तीसगढ़, 17.34%। और थर्ड नंबर पर है राजस्थान लगभग 14% के साथ। तो हमारा छत्तीसगढ़ उत्पादन मूल्य में दूसरे स्थान पर है, पहले नंबर पर है उड़ीसा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वित्तीय वर्ष 2022-23। अच्छा, ये क्वेश्चन हो चुका है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मोहारा मेले का आयोजन किस जिले में होता है? ऑप्शन ए कोरबा जिला, ऑप्शन बी राजनांदगांव जिला, ऑप्शन सी धमतरी जिला, ऑप्शन डी महासमुंद जिला। फटाफट आंसर बताइए कि कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मोहारा मेले का आयोजन कहाँ होता है। देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका राजनांदगांव जिला। राजनांदगांव जिले में आपके शिवनाथ नदी के तट पर, शिवनाथ नदी के तट पर राजनांदगांव जिले के सबसे बड़े मेले का आयोजन होता है, जिसका नाम है आपका मोहारा मेला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 186, कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर महादेव घाट के मेले का आयोजन किस नदी के तट पर होता है? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी खारून नदी, ऑप्शन सी हसदेव नदी, ऑप्शन डी शिवनाथ नदी। फटाफट आंसर बताइए, महादेव घाट के मेले का आयोजन किस नदी के तट पर होता है? महानदी, यहाँ पे महादेव नदी लिखा गया है। ठीक है, महानदी, ऑप्शन बी खारून नदी, ऑप्शन सी हसदेव नदी, ऑप्शन डी है आपका शिवनाथ नदी। फटाफट आंसर बताइए, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका खारून नदी के तट पर महादेव घाट के मेले का आयोजन होता है। यहाँ पर जो है आपके 14वीं सदी के आसपास से यहाँ पर मेले का आयोजन होते आ रहा है। यहाँ पर एक मंदिर है जिसका नाम है हटकेश्वर महादेव मंदिर, हटकेश्वर महादेव मंदिर। इस मंदिर का निर्माण जो है कलचुरी शासकों के टाइम पीरियड में हाजीराज नाइक के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, महादेव घाट के मेले का आयोजन कहाँ होता है? खारून नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कथन अ, प्रदेश के सबसे बड़े राउत नाचा महोत्सव का आयोजन बिलासपुर जिले में होता है। ब, हाल ही में 2023 में इसका 39वां संस्करण आयोजित हुआ। कथन स, राउत नाचा महोत्सव की शुरुआत 1972 से हुई। अब कथन द, इस साल राउत नाचा महोत्सव प्रतियोगिता बसिया टीम प्रथम स्थान पर रही। फटाफट अपने आंसर बताइए, इसका कथन क्या होगा, कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए 1 और 4, ऑप्शन बी 1, 2 और 3, ऑप्शन सी 1, 3 और 4, ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4। देखिए, मैं कथन पढ़ रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। प्रदेश के सबसे बड़े राउत नाचा महोत्सव का आयोजन बिलासपुर जिले में होता है, ये कथन सही है। हाल ही में यानी कि वर्ष 2023 में इसके 49वें संस्करण का आयोजन हुआ पूछा जा रहा है, तो ये कथन गलत है, क्योंकि इसका 46वें नंबर का यह संस्करण था। ठीक है, ये कथन गलत। राउत नाचा महोत्सव की शुरुआत वर्ष 1972 से हुई है, ये कथन भी गलत है। वर्ष 1978 से इसकी शुरुआत हुई है। ठीक, और चौथा है, इस साल राउत नाचा महोत्सव प्रतियोगिता बसिया टीम प्रथम स्थान पर रही, ये कथन सही है। तो यानी कि कौन कौन सा कथन सही है? कथन एक और कथन चार सही है, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 188, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन ए जस्टिस के एच एन कुंगरा, ऑप्शन बी जस्टिस अनंग कुमार पटनायक, ऑप्शन सी जस्टिस सुब्रे राम नायक, ऑप्शन डी जस्टिस वुंग जान अवुंगशी शिशांक। ठीक है, काफी लंबा नाम है, वुंग जांग अवुंशी शशांक। ठीक, फटाफट अपना आंसर बताइए, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? चार ऑप्शन दिए गए हैं, देखिए, छत्तीसगढ़ के पहले मुख्य न्यायाधीश थे जस्टिस W.A. शशांक। ये छत्तीसगढ़ के पहले मुख्य न्यायाधीश थे, जिनका 3 अगस्त 2023 को इनका निधन हो गया। 2000 से लेकर के 2003 तक ये छत्तीसगढ़ के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। छत्तीसगढ़ के वर्तमान में 15वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है आपके रमेश सिन्हा। छत्तीसगढ़ के 15वें नंबर के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है रमेश कुमार सिन्हा। ठीक, प्रश्न पूछा जाएगा, ये 15 जो आपके अभी तक मुख्य न्यायाधीश हुए हैं, इसमें सबसे लंबा कार्यकाल किसका था और सबसे छोटा कार्यकाल किसका था पूछा जाएगा।
तो सबसे लंबा कार्यकाल था आपके राजीव गुप्ता जी का, न्यायमूर्ति या जस्टिस राजीव गुप्ता, जबकि सबसे छोटा कार्यकाल था एचएल दत्तू जी का। एचएल दत्तू, राजीव गुप्ता जी का कार्यकाल 2008 से 2014 और 2007 में कुछ महीनों के लिए ये जो है आपके मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे। तो ये सारे फैक्ट याद रखिएगा। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? रमेश कुमार सिन्हा जी जो है ये 15वें वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है हमारे छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के। पहले कौन थे? डब्ल्यू एच शशांक जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 189, छत्तीसगढ़ की पहली और सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस क्रिकेट अकादमी किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए बिलासपुर, ऑप्शन बी रायपुर, ऑप्शन सी दुर्ग, ऑप्शन डी बालोद। फटाफट आंसर बताइए, सबसे बड़ी टेनिस एकेडमी कहाँ पर किस जिले में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा रायपुर। रायपुर में जो है छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस एकेडमी स्थित है, जहाँ पर एक मुख्य कोर्ट और 5 प्रैक्टिस कोर्ट स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 190, अजय मंडल और हरप्रीत सिंह भाटिया का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए तीरंदाजी, ऑप्शन बी बैडमिंटन, ऑप्शन सी क्रिकेट, ऑप्शन डी बास्केटबॉल। फटाफट आंसर बताइए, अजय मंडल और हरप्रीत सिंह भाटिया का संबंध किस खेल से है? इनका संबंध है आपके क्रिकेट से। हरप्रीत सिंह भाटिया जो कि छत्तीसगढ़ रणजी क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं, और ये जो अजय मंडल है ये आपके ऑलराउंडर प्लेयर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो आपके अजय मंडल है उन्हें सीएसके चेन्नई सुपर किंग ने रिटेन किया हुआ है और हरप्रीत सिंह भाटिया को पंजाब किंग्स ने रिटेन किया है। नेक्स्ट है, दुर्गेश नंदनी साहू और मनप्रीत कौर का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए पर्वतारोहण, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी कुश्ती, ऑप्शन डी कलारी पयाट्टू। किस खेल से संबंध है दुर्गेश नंदनी और मनप्रीत कौर का? इन दोनों का संबंध जो है ये क्रिकेट से है। ठीक है, दुर्गेश नंदनी जो कि बॉलर है, ठीक है, मनप्रीत कौर जो कि ऑलराउंडर क्रिकेट प्लेयर है, वुमेन्स प्रीमियर लीग में ये शॉर्टलिस्ट हुए थे लेकिन इन्हें किसी भी टीम ने नहीं खरीदा है। ठीक, शॉर्टलिस्ट बस हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 192, भूस्की और पतकसा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए हसदेव, ऑप्शन बी इंद्रावती, ऑप्शन सी कोटरी, ऑप्शन डी अरपा नदी। ठीक, भूस्की और पतकसा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? हसदेव नदी, इंद्रावती, कोटरी और आपका अरपा नदी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा कोटरी नदी, जिसे परलकोट नदी के नाम से भी जानते हैं। कोटरी नदी की सहायक नदी है आपकी भूस्का और पतकसा नदी। इंपॉर्टेंट है, इन दो नदियों के नाम को याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, फोंक नदी किस जिले से प्रवाहित होती है? ऑप्शन ए कवर्धा, ऑप्शन बी राजनांदगांव, ऑप्शन सी मुंगेली, ऑप्शन डी कोरिया। फटाफट आंसर बताइए, फोंक नदी किस जिले से प्रवाहित होती है? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका कवर्धा जिला। फोंक नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ये किस में किस नदी की सहायक नदी है, कहाँ पे जाकर विसर्जित होती है, कोई जानकारी नहीं है। एक आर्टिकल आया था, याद रखना, जैसे कि तेल नदी, तेल नदी का प्रवाह गरियाबंद जिले से होता है, ठीक है, वैसे ही फोंक नदी का जो प्रवाह है ये कहाँ पर होता है, आपके कवर्धा जिले में होता है। कोई डिटेल मिलेगा तो आगे के करंट अफेयर में और बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 194, खनिज और भंडारित क्षेत्र को सुमेलित कीजिए। एक साइड खनिजों के नाम दिया गया है, दूसरे साइड उनका भंडारित क्षेत्र दिया गया है। खनिज लिथियम मैग्नीज हीरा और ग्रेफाइट, भंडारित क्षेत्र मुरका बसेरा बेलमुंडी करम कोल और कटघोरा। फटाफट सुमेलित कीजिए। ठीक है, ऑप्शन देखना चाहते हैं ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए 1 2 3 4, ऑप्शन बी 2 3 4 1, ऑप्शन सी 3 1 4 2 3 1 2 4, ऑप्शन डी 4 3 2 1। ठीक है, देखिए लिथियम का भंडारण कटघोरा में है, मैग्नीज का भंडारण करम कोल में है, हीरा का भंडारण बेलमुंडी, ग्रेफाइट का भंडारण आपका मुरका बसेरा में। ठीक है, लिथियम भंडारित क्षेत्र कटघोरा कहाँ पर है, कोरबा जिले में। सेकंड, मैग्नीज भंडारित क्षेत्र कहाँ पर है, आपके बिलासपुर में, बीएसपी को भिलाई स्टील प्लांट मत पढ़ लेना। हीरा भंडारित क्षेत्र कहाँ पर है, ये मौजूद है आपके महासमुंद में, महासमुंद और गरियाबंद ये दो क्षेत्र में हीरे का भंडारण है। और मुरका बसेरा ये कहां पर है, ये है आपके बलरामपुर में, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट भंडारित क्षेत्र। इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा। ठीक,
मैं बार बार बता रहा हूं, करंट अफेयर की बुक में टेबल दिया गया है जहां पर नए खनिज भंडारित क्षेत्र की सूची है, उसको पढ़ लीजिएगा। छत्तीसगढ़ राज्य महिला उद्यमिता नीति लागू की गई है, यहाँ पे डेट दिया गया है 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2027, 1 नवंबर 2022 से 31 अक्टूबर 2027, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028, 1 नवंबर 2023 से 31 अक्टूबर 2028। फटाफट आंसर बताइए। राष्ट्रीय महिला उद्यमिता नीति महिला सशक्तिकरण के दिशा में महिलाओं की उद्योगों में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा महिला उद्यमिता नीति लागू की गई है। इसमें 3 श्रेणी में जो है ऋण उपलब्ध कराया जाता है। एक है आपका मैन्युफैक्चरिंग, आप आंसर बताइए। दूसरा है आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, और एक है आपका सर्विस यानी कि सेवा क्षेत्र। सर्विस देगा या सेवा क्षेत्र देगा, बिजनेस देगा या व्यवसाय देगा, मैन्युफैक्चरिंग या विनिर्माण देगा, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग में 50 लाख रुपए तक का लोन प्रदान किया जाता है, लोन के रूप में 50 लाख रुपए, ठीक है। सर्विस में जो है 25 लाख रुपए और आपका बिजनेस में जो है 10 लाख रुपए तक का ऋण महिला उद्यमियों को प्रदान किया जाएगा इसके तहत। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 31 मार्च 2028 तक ये राष्ट्रीय महिला उद्यमिता नीति लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 196। रविंद्रनाथ टैगोर की रचना गीतांजलि का छत्तीसगढ़ी अनुवाद भाखा के अंजोर पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए अग्रसेन कन्नौजे, ऑप्शन बी सविता पाठक, ऑप्शन सी दुर्गा प्रसाद पारकर, ऑप्शन डी परमानंद वर्मा। फटाफट आंसर बताइए। रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है गीतांजलि, जिसका छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किया गया है, एक पुस्तक का नाम है भाखा के अंजोर। इस भाखा के अंजोर पुस्तक के लेखक कौन है? अग्रसेन कन्नौजे, सविता पाठक, दुर्गा प्रसाद पारकर और आपके परमानंद वर्मा। करेक्ट आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा सविता पाठक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 197। दिल्ली एनसीआर दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन के तर्ज पर प्रस्तावित स्टेट कैपिटल रीजन एससीआर में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? ऑप्शन ए नवा रायपुर, ऑप्शन बी दुर्ग, ऑप्शन सी भिलाई नगर, ऑप्शन डी मंदिर हसौद। देखिए जो आपका दिल्ली एनसीआर है, दिल्ली दिल्ली एनसीआर, दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत आपका तो इस दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत आपका दिल्ली, हरियाणा, यूपी और आपका राजस्थान, ठीक है। दिल्ली का आपका दिल्ली के जो है आपका न्यू दिल्ली, दिल्ली के आपके 11 जिले, यूपी के 8 जिले, राजस्थान के 2 जिले और हरियाणा के 14 जिले, ठीक है। यानी कि टोटल आपके 35 जिलों को मिला करके दिल्ली एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन बनाया गया है। दिल्ली जो है अपने आप में बहुत छोटा सा केंद्र शासित प्रदेश है और वो क्या है, हमारे दिल्ली क्या है, हमारे देश की राजधानी है, तो उसको थोड़ा सा विस्तार करते हुए दिल्ली एनसीआर बनाया गया। ये बनाया गया था 1985 में इसके क्षेत्र को विस्तार करने के लिए। इसके अंतर्गत दिल्ली, हरियाणा, यूपी और राजस्थान के जिले शामिल है। तो उसी के तर्ज पर हमारे छत्तीसगढ़ का जो आपकी राजधानी है रायपुर, उसका स्टेट कैपिटल रीजन बनाया जाएगा, तो उसमें कौन कौन से स्थान शामिल है यहाँ पूछा जा रहा नहीं है। तो ऑप्शन ए नवा रायपुर, ऑप्शन बी दुर्ग, ऑप्शन सी भिलाई नगर, ऑप्शन डी मंदिर हसौद। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका मंदिर हसौद। इसमें रायपुर, नवा रायपुर और दुर्ग ये शामिल है, ठीक है। नवा रायपुर, दुर्ग और आपका भिलाई नगर और रायपुर ये शामिल है आपके स्टेट कैपिटल रीजन के अंतर्गत। अभी ये प्रस्तावित है, ठीक है, हो सकता है कि आगे आने वाले समय में इसका और विस्तार किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 198। प्रदेश का 17वां निजी विश्वविद्यालय श्री दावड़ा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए माठ तिल्दा रायपुर, ऑप्शन बी नरदहा मंदिर हसौद रायपुर, ऑप्शन सी भेलवा डीही अभनपुर रायपुर, ऑप्शन डी गुल्लू आरंग रायपुर। हमारे प्रदेश का 17वां निजी विश्वविद्यालय कौन सा है? श्री दावड़ा विश्वविद्यालय, ये मौजूद है आपका भेलवा डीही अभनपुर रायपुर में, ठीक है।
इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। तो यहाँ पर होता है हमारे करंट अफेयर वस्तुनिष्ठ प्रैक्टिस सेट का सीरीज़ ख़त्म। बार बार बता रहा हूँ कि आप राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक को अच्छे से पढ़िएगा, आगामी होने वाले सभी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। किसी प्रकार का डाउट होगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। लास्ट वीडियो में किसी एक स्टूडेंट का डाउट आया था बाघ रिपोर्ट 2022 से रिलेटेड। वो बोल रहे थे कि बाघों की संख्या में 200 बाघ की वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मई या अप्रैल के महीने में उनके द्वारा जो है आपका अनऑफिशियल एक रिपोर्ट जारी किया गया था, बाघ रिपोर्ट। लेकिन उसके बाद ऑफिशियली एक बाघ रिपोर्ट आया है जिसमें 715 बाघों की वृद्धि हुई है। आप में से बहुत से लोग जो है कंफ्यूज हो रहे होंगे, दो बार बाघ रिपोर्ट पेश हुआ है। एक बार नरेंद्र मोदी जी ने आपके अप्रैल के महीने में किया था, वो ऑफिशियल नहीं था, ऑफिशियल रिपोर्ट बाद में आया है, ठीक है। तो बाघ रिपोर्ट को लेकर कंफ्यूज मत होइए, जो भी डाटा बताया गया सारे डाटा सही है। करंट अफेयर की बुक में जो डाटा है वो सारे डाटा भी आपके सही है। तो आज का वीडियो यहीं होता है ख़त्म। वस्तुनिष्ठ का सीरीज़ होता है एंड। पिछले वीडियो से भी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, इस वीडियो को भी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। आगामी होने वाले सभी एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। सत्ता परिवर्तन हुआ, सरकार परिवर्तन हुआ करके बहुत सी योजनाएं जो पिछली सरकार के द्वारा संचालित थी, उन योजनाओं को भी मैंने करंट अफेयर में शामिल नहीं किया है, क्योंकि सरकार परिवर्तन होने से बहुत सी योजनाओं पे जो है अंकुश लग चुका है, बहुत सी योजनाएं बंद हो चुकी है और वो योजनाएं हमारे लिए महत्वपूर्ण भी नहीं है, इस कारण से उन्हें वस्तुनिष्ठ प्रश्न में शामिल भी नहीं किया गया है। तो योजनाएं साइड हो गई है, तो उम्मीद है कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी देखेंगे हम अगले वीडियो में। चलिए।